अभी फर्स्ट जो हमारा इसका टॉपिक है हमारी आज की क्लास का, वो है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी नेटवर्क में कई सारे कंपोनेंट होते हैं। जो भी कंपोनेंट होते हैं वो जो भी नेटवर्क हम लोग डिजाइन करते हैं, जो लोकेशन वाइज जो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से नेटवर्क कंपोनेंट रहते हैं। उन सभी कंपोनेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, उनको उनके मेंटेनेंस के लिए पर्टिकुलर वो जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी कंपोनेंट है या फिर जो भी आपने नेटवर्किंग डिवाइस लगाई हुई है वो नेटवर्क में अवेलेबल है या नहीं है, वो आप उसकी कनेक्टिविटी का कोई इशू है, वहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी बराबर है कि नहीं है, जो भी चीज़ है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए आपको जिस डिवाइस की जरूरत होती है वो एनएमएस कहलाता है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। नॉर्मली एक सिंपल एक सर्वर जो है, एक सर्वर पर एक एप्लीकेशन आप डाल के, एक एप्लीकेशन भले वो लाइसेंस हो या फिर ओपन सोर्स हो, तो कई सारे ओपन सोर्स एनएमएस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। वो एनएमएस अपने आप पीसी पर डालकर या लैपटॉप पर डालकर हम लोग उनको मॉनिटर करते हैं। किसी भी जैसे हम लोग का कोई भी नेटवर्क है, भले ही वो एसटीएम का नेटवर्क हो या फिर हमारा जो डाटा नेटवर्क हो, इसके हर एक कंपोनेंट का एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, जो कि उसका लॉजिकल एड्रेस होता है। शायद आपको नेटवर्किंग क्लास में अभी ये सब चीज़ें पहले बताई जा चुकी होंगी, कंपोनेंट और जो भी जो हार्डवेयर हैं, तो उनको मैं कैरी नहीं करता हूँ। मैं इसमें अब जैसे आपका ये जो सॉफ्टवेयर आप डालते हो इसमें, वो सॉफ्टवेयर क्या क्या फंक्शन ऑपरेट करता है, मेन उसका फंक्शन क्या है, और दूसरी चीज वो उसको कैसे वर्क करता है। नॉर्मली जितने भी एनएमएस होते हैं वो एसएनएमपी प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं, और वो हर एक जो भी हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस के थ्रू वो उसे कनेक्ट होते हैं। और हम लोग इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नॉर्मली एनएमएस जो रहता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहता है। तो आपके हर एक जो भी डिवाइस है, आपकी आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है, वो सारी डिवाइसेस जो है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे। वो स्क्रीन पे उनके इंडिकेशन रहेंगे कि वो ग्रीन है या फिर वो रेड है। रेड है मीन्स वो नेटवर्क से बाहर हो गया, आपके नेटवर्क में वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर ग्रीन है तो उसमें उसमें अगर किसी तरह की उसमें इंडिकेशंस आ रहे हैं, उसमें किसी तरह के अलार्म्स आ रहे हैं, किसी भी डिवाइस की हेल्थ को जनरेट करने के लिए नेटवर्क में कई सारे कंपोनेंट होते हैं, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो एक एनएमएस जो है वो उन सारे पैरामीटर को चेक भी करता है, वो ये भी देखता है कि जो आपका डिवाइस है उसकी हेल्थ कैसी है, उसका टेम्परेचर कैसा है, और जो भी उसके पैरामीटर हैं वो अंडर, जैसे कहीं पर आपका कोई चैनल है डाटा नेटवर्क में, कोई पर्टिकुलर चैनल है या कोई भी जो डिवाइस कनेक्टेड है उस पे लोड कितना है, वो कितने जो आपकी प्रोसेस है कितनी प्रोसेस हैंडल कर रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है इनको ऑब्जर्व करने के लिए, या फिर जैसे हमारा एक अगर नेटवर्क कोई डिवाइस है या फिर मक्स है या मॉडम है या एसटीएम है, उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए रिमोटली अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो भी उसके लिए आपको एनएमएस की ज़रूरत होगा। तो एनएमएस के मेन फंक्शन जो है वो अगर आप देखोगे तो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, पूरे नेटवर्क को मैनेज करना है। इसका मेन फंक्शन जो है वो ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस और प्रोविजन ऑफ नेटवर्क सिस्टम। मीन्स पहली चीज़ तो ये ऑपरेशन को मॉनिटर करेगा, फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको कोई उसमें कुछ इनपुट देना है, कुछ चेंजेस करने हैं किसी तरह के अगर आपको, तो वो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको डील कर सकते हैं उसका। अगर आपको डिवाइस को कोई आईडी देना है, उसको नाम देना है, उस तरह से आप उसको कर सकते हो। फिर मेंटेनेंस से अगर किसी तरह के इशू आ रहे हैं, आपको टेस्टिंग करनी है कुछ, अगर उसकी किसी तरह की नेटवर्क डिवाइस की कोई अगर टेस्टिंग है, उसके पर्टिकुलर किसी पार्ट को टेस्ट करना है, कुछ रिप्लेसमेंट है अगर, तो वो सब आप एनएमएस के थ्रू कर सकते हो। और फोर्थ जो जो चीज़ है जो वो है कि प्रोविजनिंग, नई अगर कोई प्रोविजनिंग करनी है, कहीं नई लोकेशन कनेक्ट करना है, कुछ भी वो करना, तो आप एनएमएस के थ्रू कर सकते हैं। तो एनएमएस एक्चुअली क्या है कि जो हमारा एनएमएस का पर्पस, मेन ये पर्पस है कि आपके
रिमोटली ही आप किसी चीज को मॉनिटर कर सकते हैं, आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क का एनएमएस का मेन फंक्शन ये है कि एक जगह पर बैठकर आप जैसे सीनॉक में बैठे हुए हो या नॉक में बैठे हो या टेस्ट रूम में बैठे हैं, तो आप वहीं से सारे बैठ के सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो कि पर्टिकुलर उस लोकेशन पर पर्टिकुलर ये डिवाइस टेम्परेचर कितना है इसका, इसका कोई चैनल अगर अप है या डाउन है, या कोई पर्टिकुलर हम उसको पिंग करके देख सकते हैं। पिंग एक हेलो पैकेज होता है जो जब आप भेजते हो तो वो लूप बैक होके आपके पास वापस आता है। वापस आने में हमको मालूम चलता है कि यहाँ से वहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, और एक्चुअली वो पर्टिकुलरली वो उसके बताता है कि आपकी नेटवर्क अगर वो बार बार ब्रेक हो रहा है तो नेटवर्क की रिडंडेंसी कैसी है, नेटवर्क जो है आपके वो बराबर है कि नहीं है, वो चीज़ आप उससे चेक कर सकते हो। तो इसमें नेटवर्क में कमांड लाइन भी होते हैं, आप सीएलआई कमांड लाइन के थ्रू, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप वहां से कुछ कॉन्फिगर कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं किसी चीज को। तो एक्चुअली आज के जो हमारा जिस तरह की नेटवर्किंग है और जिस तरह के हमारे वर्कलोड है उसके हिसाब से एनएमएस से आप दूर बैठे बैठे ही कोई भी फॉल्ट है उसको डायग्नोस कर सकते हो, जो भी आप को बता सकते हो, और उसको वहां से अटेंड करा के वो प्रॉपरली अटेंड हुआ ये नहीं हुआ ये भी आप वहां पे प्रॉपर एक ही जगह बैठ के आप पता कर सकते हो। इवन आप उसको प्रॉपर गाइड कर सकते हो कि यहाँ इस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, यहाँ इस सीट में दिक्कत आ रही है। तो डायग्नोस कितना अच्छा है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आजकल जो 80% वर्क है वो एक एनएमएस, अच्छा एनएमएस कंप्लीट कर देता है। तो एनएमएस जो है वो नेटवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। फिर आते हैं हम लोग डेटा नेटवर्क्स पे हमारे। तो इंडियन रेलवे में जो है मेनली अगर आप देखोगे तो तीन ही डेटा नेटवर्क्स हैं, और बाकी सब जो भी जितने भी आप नेटवर्क देखते हैं वो इसी के ब्रांचेस हैं, इसी के पार्ट हैं। एक नेटवर्क है हमारा रेलनेट। रेलनेट जो है वो हमारा खुद का इंटरनेट है। रेलनेट का जो डेवलपमेंट इसलिए किया गया था कि जो सारे जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं वो आपस में कनेक्ट हो पाए, हमारे फाइल शेयरिंग, हमारे डे टू डे वर्क, उनके लिए पेपर वर्क जितना कम से कम हो। सेकंड जो हमारा नेटवर्क है वो है पीआरएस और यूटीएस का, जो अभी यूटीएन नेटवर्क बोलते हैं जिसके, यूनिफाइड टिकटिंग नेटवर्क। पहले पीआरएस और यूटीएस दोनों नेटवर्क अलग अलग हुआ करते थे, अभी उनको कंबाइन करके जो नेटवर्क बनाया है वो यूटीएन नेटवर्क है। तो यूटीएस जो पीआरएस नेटवर्क था उसका मेन पर्पस था रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना, और यूटीएस जो नेटवर्क था उसका मेन पर्पस था लोगों को अनरिजर्व टिकटिंग जो है वो प्रोवाइड कराना। फिर इन इन्हीं के जो पार्ट हैं उनके थ्रू आप जो है आपके जैसे पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके एमएमआईएस है, जैसे पीआरएस के जो पार्ट है वो आपके इसी से एनटीएस भी आपका निकला हुआ है, इसी से रैपिड डिस्प्ले भी आपके चलते हैं, इसी से चार्टिंग डिस्प्ले भी चलते हैं, और इसी से एटीवीएम भी चलते हैं। इसी नेटवर्क के थ्रू जो है आपका जो ऑनलाइन चार्टिंग है, जो चार्टिंग डिस्प्ले है, तो पीएनआर इंक्वायरी कियोस्क है, आपके रैपिड डिस्प्ले हैं, ये सभी चीज़ें जो है ये पीआरएस यूटीएस नेटवर्क का पार्ट है। फिर थर्ड जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेटवर्क है और जिसका एक्सपेंशन अभी सबसे फास्ट हो रहा है वो है फाइस का नेटवर्क। फाइस क्योंकि रेलवे का अभी मेन पर्पस जो है वो फेराइट ऑपरेशन है, वो लोडिंग काफ़ी बढ़ रही है, साइडिंग बहुत सारी बढ़ रही है, तो सभी भी अभी ये जो दो नेटवर्क थे रेलनेट और पीआरएस यूपीएस, ये नॉर्मली रेलवे हेड नेटवर्क थे, ये सभी रेलवे की बाउंड्री के अंदर ये नेटवर्क रहते थे। बहुत कम जगह पर जो है नेटवर्क को बाहर दिया जाता था, लेकिन वहाँ पर भी जो रेलवे के ही लोग वहाँ पे वर्क करते थे, और रेलवे प्रमिसेस के बाहर बहुत कम इनको दिया जाता था। लेकिन वॉइस नेटवर्क का जो जो मेन डीलिंग जो है वो आउटर जो जो भी हमारे जिन भी साइडिंग्स हैं, जहाँ पर हमने कहीं पर पावर कॉरपोरेशन में कहीं दिया हुआ है या फिर कहीं बाहर दिया हुआ है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो है ये इन नेटवर्क का फॉइस नेटवर्क को डिजाइन किया गया। इसके फॉइस के ही कुछ पार्ट हैं जो वो सीओआईएस है, सीओ है, कंट्रोल ऑफिस ऑटोमेशन है, फिर क्रू मैनेजमेंट सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रू के लॉगिन लॉगआउट के लिए। तो इस तरह से आप देखोगे कि
सारा जो कुछ भी ब्रांचेस निकली हुई हैं वो सभी आपके इन तीन नेटवर्क के ही पार्ट हैं। कोई हमारे पास और इन नेटवर्क की भले ही सिनेरियो अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है, वो लोकेशन जिस हिसाब से उसके हिसाब से अलग अलग है, लेकिन बेसिकली अगर आप देखोगे तो स्टेशन पे जो नेटवर्क रहेगा वो लगभग सेम ही रहेगा एक स्टेशन पे। इसीलिए अब जब सारी चीजें बदल रही हैं, हम लोग एमपीएलएस पे जब शिफ्ट करेंगे तो लोकली नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम हो जाएगा सभी का और यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। अभी जो अनयूनिफॉर्म नेटवर्क है, सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, अनवेटेड है, सभी जगह वेटिंग सेम नहीं है, तो वो सब कंट्रोल होके जो है ना वो बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं रेलनेट, रेलनेट से। तो रेलनेट जो है वो हमारा इंट्रानेट है, रेलवे का ही इंट्रानेट है। और रेलवे का इंटरनेट इसका पर्पस था कि सभी को नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोड़ना और सभी ऑफिसेज को, सभी जोनल हेडक्वार्टर को सभी रेलवे बोर्ड से जोड़ना, और रेलवे की इंटरनेट इंटरनेट के अलावा इंटरनेट की साइट भी मेंटेन करना। तो यहाँ पर रेलनेट जो है, रेलनेट के कई सारे फेजेस हुए, और फर्स्ट फेज में सिर्फ जोनल हेडक्वार्टर जोड़े गए थे, सेकंड फेज में जो है वो डिवीजन जोड़े गए रेलवे बोर्ड से, और अब पूरे इंडियन रेलवे के सभी, आप अभी अगर आप देख रहे हैं तो सभी ऑफिसेज जो है हम लोग के फाइल वर्क लगभग खत्म हो गया, सभी ई ऑफिस पे वर्क चल रहा है। तो ई ऑफिस का जो जो है वो भी कचरा, मिट्टी कचरा, रुकना भाई, कचरा म्यूट करेंगे। तो रेलनेट जो है वो रेलनेट के अलावा जो रेलवे की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इनिसेट है, एरिसिन है, ये आरडीएसओ है, कोर है, एक्ट्रो है, ये भी रेलनेट से कनेक्टेड है। तो अरे नरेंद्र जी, आपका माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो रेलनेट में हमारे यहाँ पे हम जो इंटरनेट हमारा आईएसपी मेन है, वो आईएसपी हमको रेलटेल से मिलता है। हमारा पहले आईएसपी हमारे पास बीएसएनएल और रेलटेल दोनों थे। सभी जोनल हेडक्वार्टर जो है वो 2 MB के लिंक से कनेक्टेड थे। 2 MB के लिंक रेलटेल का था और 2 MB का लिंक बीएसएनएल का था सभी जोनल हेडक्वार्टर, और उससे सभी डिवीजन कनेक्ट रहते थे। अब सिनेरियो चेंज हुआ, चूंकि हमारे पास बैंडविड्थ अवेलेबल है, तो सभी लोकेशन जो है हमारे सभी जोनल हेडक्वार्टर एमपीएलएस, सभी जोनल हेडक्वार्टर एमपीएलएस के थ्रू रेलवे बोर्ड से कनेक्टेड है, और जो हमारे डिवीजन है वो एमपीएलएस, रेलटेल के एमपीएलएस नेटवर्क के थ्रू सभी डिवीजन भी कनेक्टेड है। तो एमपीएलएस की वजह से बैंडविड्थ काफी अवेलेबल है और इंटरनेट की बैंडविड्थ भी काफी अवेलेबल हो गई। तो हर हर एक ऑफिस एक्सेस होता है, इवन वीलैन, जो रेलनेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेन, वो वीलैन क्रिएशन पर है। जितने भी जो लोकल एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसमें वीलैन होते हैं कई सारे, और वीलैन से बहुत सारे जो भी ऑफिस हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, लेकिन लिमिटेडली। वीलैन बनाने का मेन पर्पज यही है कि इंटरफेरेंस एक दूसरे से ना हो, आपका नेटवर्क बिना इफेक्ट हुए, बहुत ज्यादा लोड जहाँ पे कॉलिजन बहुत ज्यादा नहीं हो, वो कॉलिजन रोकने के लिए जो है ना वीलैन क्रिएशन करके, और बहुत सारे वीलैन क्रिएट होते हैं लोकली, हर एक लोकल एरिया में फिर स्टेशन वाइज वीलैन अलग होते हैं। तो इस तरह से रेलनेट जो है, रेलनेट की एक आईपी स्कीम कॉमन एक बनाई हुई है रेलवे बोर्ड ने, और उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 10.0 सीरीज की यहाँ पर आईपी एड्रेस यूज हुए हैं, और इसमें जो आपका जो सर्वर का जो आईपी एड्रेस, जो यहाँ पे राउटर का आईपी एड्रेस रहेगा, जो वो 10.x.2.1 सीरीज का रहेगा, और वेब सर्वर को जो आईपी एड्रेस जो दिया जाता है वो 10.2.10.x.2.19 सीरीज का दिया जाता है। नॉर्मली ये स्कीम सभी जगह यूनिफॉर्म रहेगी, और इसी हिसाब से सभी फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे।
एक नेटवर्क में हमेशा ये चीज जरूरी होती है कि आप जो भी आईपी एड्रेस दे रहे हैं वो आपकी आईपी एड्रेस की जो स्कीम है, जो लॉजिकल स्कीम आपको जो आपके नेटवर्क एडमिन ने दी हुई है, या जो जो ने डिसाइड किया है, या हेडक्वार्टर ने, जो रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया, उसी को फॉलो किया जाए जिससे कि वो प्रॉपरली वर्क करे। अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो आईपी एड्रेस जो है रेलनेट यूज करता है 10.x.0.0 सीरीज का पब्लिक 16। इसका मतलब क्या है, ये क्लास बी आईपी एड्रेस यूज करता है। तो रेलवे का जो रेलनेट जो है वो क्लास बी आईपी एड्रेस स्कीम इसमें यूज होती है। अब रेलनेट का मेन पर्पस जो आप लैन का जो यूज कर रहे हैं वो मेन पर्पस यही है कि फाइल शेयरिंग होना चाहिए, जो हमारे जो भी रेलनेट यूजर हैं वो आपस में फाइल शेयरिंग कर पाए, मेलिंग का यूज कर पाए, जो जो ऑथराइज जो रेलनेट यूजर है वो इंटरनेट का भी यूज यूज कर पाए। लेकिन अभी लास्ट जब रेलवे बोर्ड ने ई ऑफिस जब से एनेबल किया हुआ है तो सभी लगभग जितने भी यूजर हैं वो इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। और इसके अलावा जो जो भी हमारी जितनी भी अब अगर सर्विसेज अभी देख रहे हैं, अभी हमारी सर्विसेज अब वेब बेस हैं, भले ही वो IRPSM हो या IRPMU हो, जितनी भी हमारे टेंडर्स हैं या टेंडर से रिलेटेड साइटें हैं या जो भी हैं वो सब रेलनेट बेस्ड है। तो रेलनेट अभी जो है वो रेलवे का बैकबोन बन गया है, जो ऑफिस वर्किंग के लिए जो है वो रेलनेट अभी रेलवे का बैकबोन है। और इसमें जो क्योंकि लोड इस पे बढ़ता जा रहा है इसलिए वीलैन क्रिएशन बहुत जरूरी है। तो हमेशा जो भी लोकल एरिया में वहां पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहे वो वीलैन बेस्ड ही होना चाहिए। और यहाँ पर अगर कनेक्टिविटी आप देखोगे, अगर टिपिकल लेआउट इसका देखेंगे रेलवे बोर्ड लेवल पर, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें ईमेल सर्वर है, नेटवर्क NMS है, इसमें रेलनेट का वेब सर्वर है, इंटरनेट का वेब सर्वर है, TNS डाटा है ना, DNS सर्वर भी है, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वर है। अभी यहाँ पे जो स्विच जो लगे हुए हैं L3 स्विच जो लगे हुए हैं वो रिडंडेंसी में है। ये रिडंडेंसी में है कनेक्ट होने का मतलब ये है कि अगर, और लोड शेडिंग रिडंडेंसी में है, अगर एक अगर ये डाउन होता है तो नॉर्मली हाफ वीलन एक एक स्विच पे चल रहे होते हैं, हाफ वीलन एक स्विच पे चल रहे होते हैं। लेकिन जब अगर एक स्विच अगर डाउन होता है तो पूरा पूरा लोड जो है वो दूसरे उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो कोई भी सर्विसेज जो है, नॉर्मली हम लोग नेटवर्क ऐसे डिजाइन करते हैं कि जो भी सर्विसेज हमारी रन कर रही है वो एक कंपोनेंट के, अगर कोई भी कई कंपोनेंट है या एक नेटवर्क डिवाइस है उसके इफेक्ट होने पर पूरा बंद नहीं हो। तो यहाँ पे रिडंडेंसी में इन्होंने L3 स्विच लगाए हुए हैं। L3 स्विच नॉर्मली जो है वो राउटर और जो लोअर डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, जो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है उनके बीच में जो है वो इंटरमीडिएट वर्क करते हैं। वो नॉर्मली राउटर में इतने ईथरनेट पोर्ट नहीं होते, राउटर में हमारे 2 या 3 ईथरनेट पोर्ट होते हैं। तो L3 स्विच जो है वो इनके इंटरमीडिएट वर्क करते हैं, लोड शेयरिंग का वर्क करते हैं। तो L3 स्विच की फंक्शनलिटी यही है कि वो एज ए स्विच भी वर्क कर सकता है और एज ए राउटिंग भी वर्क कर सकता है, दोनों का वर्क कर सकता है। सर थोड़ा जूम करिएगा ना, 100 से थोड़ा 125, 110 या 125% पे। ओके 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 अभी अभी रेडेबल है? यस सर, वो रीडेबल भी था पर वो छोटा था, ये अभी ठीक है। अभी ये कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम लोगों ने रेलनेट डिस्कस किया। सेकंड हमारा जो ये है नेटवर्क है, हमारा जो इम्पोर्टेंट नेटवर्क है वो वॉइस का नेटवर्क है। वॉइस के नेटवर्क का जैसे मैंने आपको बताया कि लोकेशन जो है हमारी, वॉइस के जो मेन सर्वर हमारा रखा हुआ है वो दिल्ली क्रिस में है, और उस सर्वर से ही सभी डिवीजन कनेक्टेड है। कहीं कहीं जो है इरिसेट के डायग्राम में जो दिया हुआ है उसमें ये शो किया हुआ है कि वो जोनल हेडक्वार्टर से कनेक्टेड है डिवीजनल, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा नहीं है। हमेशा जो भी वॉइस की जो डिवीजनल लोकेशन है वो सीधे सीधे दिल्ली क्रिस से कनेक्टेड है। तो
यहाँ सेंट्रलाइज एक ही सर्वर है, वो दिल्ली क्रिस में रखा हुआ है, और इसके अलावा जो फॉयस के सर्वर है वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। सी फॉयस की जो एप्लीकेशन है COA, उसके सर्वर हर एक डिविजनल हेडक्वार्टर पे अवेलेबल है, और उनसे अगर कोई डिवीजन में दूसरा भी कंट्रोल ऑफिस है तो वो भी कनेक्टेड। जैसे अहमदाबाद में दो कंट्रोल ऑफिस है, एक अहमदाबाद में है और एक गांधीधाम में है, तो COA एप्लीकेशन दोनों जगह कनेक्टेड है आपस में। और वो तो जितने भी हमारे जैसे TMS हुआ, RMS टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, रैक मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, ये जो चीज़ें हैं वो वॉइस पर ही वर्क करती हैं। और हमारा पर्टिकुलर कौन सी रैक कहाँ पर है, वो उसकी लोडिंग हुई या नहीं हुई, किसी का जो लोड हुआ है, कोई कोई अगर किसी साइडिंग की कोई है या किसी वेंडर की कोई सामान लोड हुआ है तो वो कहाँ तक पहुँचा है, ये सारी चीज़ों की लाइव जो इन्फॉर्मेशन है वो वॉइस नेटवर्क में मिलती है। तो जहाँ तक जितनी भी साइडिंग है, गुड साइड है, ये सारे वॉइस से कनेक्टेड रहते हैं। तो इनिशियली जो है वॉइस में डिविजनल लेवल पे जो राउटर रहता है उससे जो आपके साइड के जो साइडिंग के जो राउटर हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, और वहाँ से लैन एक्सटेंडर के थ्रू या फिर आपके पास जो भी वहाँ मीन्स अवेलेबल हो। नॉर्मली जो वॉइस की कनेक्टिविटी थी वो 64 KBPS के लिंक पर पहले BSNL के लीज लाइन पे चलती थी, क्योंकि अधिकांश जो फॉइस लोकेशन होती थी वो हमारे रेलवे बाउंड्री के बाहर होती थी, जहाँ रेलवे नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग चैनल हायरिंग जो है वो BSNL से करते थे, या उससे कनेक्टिविटी वहाँ पर मॉडम के थ्रू ले जाते थे। अभी जो है वो इस कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करके उसको 2 MB में कन्वर्ट कर दिया गया, और डिवीजन जो है वो सॉरी जितने भी जैसे आप यहाँ देखेंगे कि जैसे जो हमारे बहुत सारे रिमोट लोकेशन थे जहाँ पर हमारे पास कोई भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं था, भले वो BSNL का हो या रेलवे का हो, तो वहाँ पर फिर कनेक्टिविटी जो दी गई थी वो वॉइस सॉरी VSAT के थ्रू दी गई थी। VSAT सेटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू वहाँ पर एक VSAT लगाया गया था, जिसके बारे में कल हम लोग और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो VSAT कनेक्टिविटी के थ्रू वहाँ पर टर्मिनल रन कराए जाते थे, जिसमें आपको 64 KBPS की कनेक्टिविटी वहाँ पर मिल जाती थी। तो ऐसे लोकेशन जहाँ पर और कोई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर कनेक्टिविटी देने के लिए VSAT का यूज़ करते थे। अभी आप यहाँ देखोगे फॉयस सिस्टम का बेसिक आर्किटेक्चर अगर देखेंगे तो ये मोस्टली जो शो किया हुआ है यहाँ पे दिल्ली का आपका ये सर्वर बैंक जो है वो किस दिल्ली में शो कर रहे हैं, यहाँ पर किस दिल्ली में सारे सर्वर रखे हुए हैं, एप्लीकेशन और बैकअप सर्वर या जितने भी उसकी सपोर्टिव सर्विस एप्लीकेशंस हैं जिनकी फाइल्स की, उनके सभी के सर्वर वहाँ रखे हुए हैं। और ये आपके जोनल हेडक्वार्टर्स की कनेक्टिविटी दिखाई गई है। तो अभी वॉइस जो है वॉइस हमारा सबसे तेजी से एक्सपेंशन वाला नेटवर्क है। इसमें एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो भी साइडिंग है, साइडिंग में टेक ऑफ पॉइंट जो रहता है वहां तक नेटवर्क कनेक्टिविटी हमको देनी होती है, और उसके अलावा जो भी हमारी जो साइडिंग है, साइडिंग में जितने भी नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं या जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस होती है वो सभी साइडिंग ओनर को लेनी होती है। उसमें हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते। अगर वो चाहे तो वो फंड अवेलेबल करा के और रेलवे को परचेज करने के लिए बोल सकता है, लेकिन वो टोटली लाइबिलिटी जो है वो उसकी मेंटेनेंस की, उसकी परचेजिंग की लाइबिलिटी जो है वो साइडिंग ओनर की रहती है। तो ये चीज मतलब कई जगह ये चीज थोड़ी गड़बड़ होती है कि वो साइडिंग ओनर को भी हम लोग अपनी डिवाइस कई जगह दी हुई थी, तो वो अभी इसमें लिमिटेड है। इसके लिए साइडिंग के प्रॉपर जो है वो सर्कुलर्स आए हुए हैं अभी। जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी अभी हमने डिस्कस की थी कि नेटवर्क टोपोलॉजी में तो
आप अगर ये देखोगे तो ये इसमें यहाँ पर जो नेटवर्क टोपोलॉजी यूज की हुई है वो मैश टोपोलॉजी यूज की हुई है। तो आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो सर्वर्स, ये दिल्ली का सिनेरियो दिखाया हुआ है, और दिल्ली से जो आपके क्लाइंट लोकेशन जो दी हुई है वो बीएसएल नेटवर्क के थ्रू या रेलवे के नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड दिखाए गए हैं। तो बैकबोन कनेक्टिविटी के लिए अभी हम लोग जो है वो आरसीएल के चैनल, एमपीएलएस चैनल लिए हुए हैं, कई जगह वीलैन भी लिया, तो वीपीएन लिए हुए आरसीएल के। ये चूंकि बुक में, जो इरिसेट की बुक में है, वो अपडेट काफी समय से नहीं हुआ है, ये इसमें मोस्टली इम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ पर जो आप डायग्राम अगर आप देख रहे हो, ये तो क्रिस सारे जो जितनी भी लोकेशन है, मेन लोकेशन, वो डायरेक्टली देखिए क्रिस से कनेक्टेड है। जो भी डिविजनल हेडक्वार्टर है हर एक के, वो सभी सभी क्रिस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्ट चैनल जो है उसके वो क्रिस राउटर से ही कनेक्टेड है, क्रिस। और सिर्फ वॉइस नेटवर्क ही ऐसा है जहां पर क्रिस में एक सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी, स्टार कनेक्टिविटी जा रही है। जोनल लेवल पे या डिविजनल लेवल पे ये मैश है, लेकिन वहां पर अगर हेडक्वार्टर लेवल पे देखा जाए, क्रिस लेवल पे देखा है, तो ये स्टार कनेक्टिविटी है। इन दोनों में किसी को कोई डाउट है, कुछ कुछ पूछना हो? दो नेटवर्क अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, रेलनेट के और क्वाइज के, कोई क्वेश्चन हो? आपकी आवाज कम आ रही है अभी, अभी अच्छा, आवाज कम आ रही है, अभी अभी आई क्या? देख भी क्लियर है। सकते, ओके आवाज क्लियर आ रही है आपके? ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर, आवाज क्लियर है, क्लियर है सर, आवाज ओके कुछ और ओके रुक ओके ओके थैंक यू। ठीक है, तो थर्ड थर्ड जो हमारा नेटवर्किंग टॉपिक है वो है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। तो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम जो डेवलप किया था किसने, वो कंसल्ट करके सॉफ्टवेयर पे डेवलप किया था। तो ये इसका जो मेन पर्पस था वो लोगों को रिजर्वेशन किट प्रोवाइड करना, रिजर्व टिकट प्रोवाइड करना, एक पर्टिकुलर एक टाइम स्लॉट पर आपको एक पर्टिकुलर ट्रेन में आपको सीट अलॉट की जा रही है, वो उस टाइम स्लॉट पे सिर्फ आपके लिए है। तो इसको एंश्योर करने के लिए ये पीआरएस जो है वो टर्मिनल बेस्ड सर्विस थी, और ये टोटली सर्वर बेस्ड है। जब आप ऑनलाइन रहेंगे तभी रिजर्वेशन कर पाएंगे, अन्यथा इसके बिना रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे। तो पीआरएस के जो सर्वर हैं, मेन सर्वर जो रखे हुए हैं, वो 5 लोकेशन पर हैं, चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी प्लस हैदराबाद। तो मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में। पहले इनिशियली में जो है वो हैदराबाद सर्वर से भी रिजर्वेशन होते थे, लेकिन अभी वो है वो डीएआर साइट है, मतलब बैकअप साइट है। वो सारे चारों लोकेशन का जो है वो बैकअप वहां पर अवेलेबल रहता है, और आपका जो भी अगर कभी कोई लोकेशन, अगर मान लीजिए कोई सर्वर प्रॉब्लम करता है, किसी किसी एक चारों मेट्रोपोलिटन सिटी में से किसी एक का भी सर्वर में इश्यू आता है, तो वो डीएआर साइट के थ्रू जो है वो वहां से टिकटिंग हो सकती है। तो लोग जो है बाहर रेलवे को जो पहचानते हैं वो रिजर्वेशन नेटवर्क की वजह से ही मेनली पहचानते हैं। तो अभी बाहर जो धीरे धीरे काउंटर हमारे कम हुए, यहाँ पर जितने भी काउंटर जैसे पहले अवेलेबल थे वो कम हुए, तो बाहर जो दिए हैं वो वाईटीएस के यात्री टिकट सेवा केंद्र वहां पर बाहर ओपन किए हैं कई जगह रेलवे ने, और यहाँ से कनेक्टिविटी दे के वहां पर टिकटिंग वहां पर होती है। लेकिन एक मेन इसमें क्राइटेरिया ये है कि जो भी रिमोट लोकेशन है, किसी भी पीआरएस में जो रिमोट लोकेशन है वो कभी भी इथरनेट पे कनेक्ट नहीं होती है।
जो प्राइवेट पार्टी को जो भी कनेक्टिविटी दी जाती है, जिस तरह की जो कनेक्टिविटी यहाँ से एक्सचेंज होती है, तो नॉर्मली हमारे अभी पहली इनिशियल में जितनी भी पीआरएस लोकेशन थी सभी सीरियल पोर्ट पे चलती थी। मतलब RS-232 कनेक्टिविटी थी, सभी सीरियल कनेक्टिविटी पे चलते थे, टर्मिनल बेस्ड थे। इसमें एक जो डिवाइस यूज होती थी, टर्मिनल सर्वर डिवाइस, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। तो टर्मिनल सर्वर जो है वो ईथरनेट टू सीरियल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, या सीरियल कनेक्टिविटी टू ईथरनेट। आपके पीआरएस नेटवर्क से वो टर्मिनल सर्वर कनेक्ट रहता है, और उससे आपके जो भी टर्मिनल से जिन पे रिजर्वेशन होता है वो कनेक्ट रहते थे। तो किसी लोकेशन पे अगर हम लोग को कहीं एक्सचेंज करना है तो सीरियल कनेक्टिविटी एक्सचेंज करते थे, या फिर हम लोग अब जो है वो ईथरनेट कनेक्टिविटी भी सब जगह एक्सचेंज करने लगे हैं। तो आपके टर्मिनल अभी अब जो टर्मिनल आ रहे हैं या वो सभी जो है वो नेटवर्क बेस्ड टर्मिनल हैं, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अब उनमें आ रहा है। तो इसको मेनली डेवलप किया था क्रिस ने। और नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे तो ये भी डायग्राम अभी अभी का तो नहीं है ये, इसमें जो भी हमारे पांचों लोकेशन हैं वो सभी BSNL और रेलवे के MPLS लिंक से कनेक्टेड हैं। सभी लोकेशन आप कहीं पर भी बैठ के किसी भी सर्वर को एक्सेस करके उसका उससे रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कनेक्टिविटी है वो मेनली किसी भी आप टर्मिनल से अगर कनेक्ट होते हैं तो वो सारे टर्मिनल जो है वो किसी ना किसी इन पांचों में से किसी एक सर्वर से कनेक्ट रहेंगे। तो ये सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन है, और PRS में जो टर्मिनल यूज होते थे उनको डम टर्मिनल बोलते थे। डम मीन्स गूंगा बहरा। तो एक्चुअली उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता था, सिर्फ BIOS होता था, और वो BIOS जो BIOS के थ्रू ही बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर था उसमें, और उसके सीरियल कनेक्टिविटी के थ्रू ही वो डायरेक्टली सर्वर को एक्सेस करके उसको रिजर्वेशन करते थे। मीन्स उसमें जब अगर आप AB टाइप करते हैं अगर, तो वो सर्वर तक उस वो कनेक्टिविटी वो वहां पे जाएगा, जब वहां से रिटर्न बैक होके आएगा तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो PRS एप्लीकेशन इनिशियली जो थी सिर्फ रिजर्वेशन से बेस्ड थी, लेकिन बाद में इसमें जो जोड़ा गया वो रैपिड डिस्प्ले जोड़े गए इसमें। आपके रैपिड डिस्प्ले में जो 1 month की जो भी आपके रिजर्वेशन है उसकी इंफॉर्मेशन आती थी, या फिर सेकेंड जो है वो आपकी NTS जो है ट्रेन की, हमारी ट्रेन रनिंग की जो एप्लीकेशन है कि ट्रेन इस समय कहाँ पहुँच गई है, ट्रेन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कोच की पोजीशन है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको जो है वो NTS से मिलती है। चार्टिंग डिस्प्ले जो है वो चार्ट के बारे में बताता है कि वेटलेस जो चार्ट है, चार्ट की जो पोजीशन है वो चार्टिंग डिस्प्ले पे रन होती है। ATVM जो है वो ऑटो टिकट वेंडिंग मशीन है, वो PRS का तो पार्ट नहीं है, वो UTN नेटवर्क का पार्ट है। फिर आपका PNR इंक्वायरी टर्मिनल जो है वो भी PRS का ही पार्ट है। आप जो स्टेशन पे जो PNR इंक्वायरी टर्मिनल देखते हैं जहाँ पर आप PNR की इंक्वायरी कर सकते हैं, फिर आपका जो ट्रेन चार्टिंग जो है जो चार्ट छपते हैं वो सभी भी PRS नेटवर्क का ही पार्ट है। तो PRS नेटवर्क मेनली सेंट्रलाइज नेटवर्क था 5 लोकेशन से, और लोकली जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो RS-232 बेस्ड था। अब वो चेंज होके इथरनेट बेस्ड हो गया। तो अगर टिपिकल कनेक्टिविटी अगर PRS की देखें हम लोग, तो एक डिविजनल सर्वर है जो जोनल सर्वर से कनेक्टेड है, और फिर लोकेशन का डिविजनल राउटर है वो जोनल राउटर से कनेक्टेड रहता है, और डिविजनल राउटर से फिर बाकी राउटर कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि जैसे यहाँ एक मणिनगर की टिपिकल कनेक्टिविटी दिखाई हुई है, तो यहाँ राउटर से लैन एक्सटेंडर के थ्रू
वहां पर डायरेक्टरी यूटीएस के लिए या यूटीएस कम पीआरएस के लिए थिंकलाइन कनेक्टेड है, और उसी से जो है वो लैन एक्सटेंडर दूसरे लैन एक्सटेंडर से लोकल लीड के थ्रू कनेक्टेड है, उससे स्विच कनेक्टेड है, स्विच से एटीवीएम कनेक्टेड है यूटीएन टिकटिंग के लिए, यूटीएस टिकटिंग के लिए, और एक टीएस कनेक्टेड, टीएस से पीआरएस के डम डम मीटर चल रहे हैं अभी। यहाँ टीएस लगाने का मेन पर्पज यही था कि यहाँ पर जो डम टर्मिनल चल रहे हैं, जो पीआरएस के रिजर्वेशन के जो डम टर्मिनल चल रहे हैं, वो आरएस 232 टू कनेक्टिविटी है। अब जो भी कनेक्टिविटी अब जो सब जगह हो रही है वो इथरनेट बेस्ड हो रही है, तो धीरे धीरे कुछ ही महीनों में सभी लोकेशन जो है वो इथरनेट बेस्ड हो जाएंगे। इथरनेट बेस्ड कनेक्टिविटी होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लास्ट माइल तक आप चेक कर सकते हो कि वहां पर वो लोकेशन, वो डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं है, उसको पिंग करके देख सकते हो आप, वहां पे उसकी रिलायबिलिटी देख सकते हो आप, तो ये चेक करना इजी हो जाता है। हम लोग का फोर्थ टॉपिक जो है वो है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम यूटीएस। तो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम में क्योंकि अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम सिर्फ इसलिए डेवलप हुआ था कि जो जो भी किसी को भी जर्नी करनी है तो उसको पर्टिकुलर कोई सीट अलॉट नहीं करनी, सिर्फ उसको जर्नी करने को पर्टिकुलर टाइम में जर्नी करने की अथॉरिटी देनी है। तो यूटीएस टिकटिंग जो है वो तीन दिन एडवांस में आप उस किसी को इशू कर सकते हो यूटीएस का टिकट, और उसका कैंसिलेशन पर्टिकुलर उसी जर्नी स्टेशन पे वो कर सकता है एक दिन एडवांस में। तो और मतलब सॉरी जो कैंसिलेशन है वो एक दिन एडवांस में वो किसी भी स्टेशन से कर सकता है, और जर्नी वाले दिन वो उसी स्टेशन पे जिस स्टेशन से जर्नी करनी है वहां पर जाके टिकट वो कैंसिल कर सकता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता भी है कि कितने दिन एडवांस में आप यूटीएस का टिकट ले सकते हो। तो यूटीएस टिकटिंग का जो एडवांटेज है वो यूटीएस टिकटिंग का एडवांटेज ये है कि पर्टिकुलरली जो एक तो टिकटिंग फास्ट हो गई है, इससे जो पहले यूटीएस सिस्टम्स के आने से पहले जो है वो टिकट बाइंडिंग जो मशीन रहती थी वो एसपीटी कहलाती थी, स्पीड प्रिंटिंग टिकट, शायद किसी ने देखे हो, येलो कलर के रोल रहते थे, टिकट रोल रहते थे, उन पर प्रेस करके और उन पर टिकट छपते थे। तो कुछ समय में क्या जब वो फेयर चेंज होते थे तो हर बार जो वो रोलर रहते थे वो चेंज होते थे उसमें। तो ये सब चीजों से एक तो नेटवर्किंग बेस्ड होने की वजह से क्या है कि ये आपका टिकटिंग काफी फास्ट हो गई। दूसरी चीज क्या है कि जैसे हमारा जब भी यूटीएस नेटवर्क जो है वो सर्वर बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ आप पर्टिकुलरली एक थिन क्लाइंट जो लगा रहता है जो नेटवर्क से कनेक्ट रहता है, उस थिन क्लाइंट में उस पर्टिकुलर लोकेशन से पूरे सारे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए डिस्टेंस और फेयर का चार्ट रहता है उसके अंदर। तो पर्टिकुलरली वो क्या करता है कि वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना, वाय इस रूट इतने चार्जेस होंगे, वो टिकट की इंफॉर्मेशन अपने अंदर सेव कर लेता है। जैसे ही वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है वो अपना पूरा जो भी डेटा है वो सर्वर को ट्रांसफर कर देता है। तो अप टू 72 आवर ये बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी के भी टिकटिंग कर सकता है। तो पर्टिकुलर लोकेशन पे सिर्फ इसका अगर नेटवर्क डाउन भी हो जाता तो सबसे बड़ा बेनिफिट यूटीएस का यही है कि ये जो टिकट जो है वो ये ऑफलाइन भी टिकट इशू कर सकता है, सिर्फ उसके जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए वो सर्वर पर कनेक्टिविटी सर्वर तक अपना डेटा भेजेगा, लेकिन वो 72 घंटे के अंदर कभी भी भेज सकता है, और एक बार सिंक हो गया 72 घंटे में 72 घंटे तक फिर से दोबारा भेजेगा। यूटीएस टिकटिंग जो है वो इथरनेट बेस्ड कनेक्टिविटी है, सभी जगह इथरनेट कनेक्टिविटी है, और यूटीएस के नेटवर्क का अगर हम लोग आर्किटेक्चर का बात करें तो यूटीएस के सर्वर जो हैं
जहाँ पीआरएस के सर्वर 5 सिटियों में रखे हुए हैं, वो उसकी जगह यूटीएस के सर्वर हर एक जोनल हेडक्वार्टर में अवेलेबल है। तो वेस्टर्न का जो यूटीएस का सर्वर है वो चर्चगेट में है, सेंट्रल का जो यूटीएस का सर्वर है वो वहाँ पे वीटी में रखा हुआ है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में। तो हर एक जोनल हेडक्वार्टर पे पर्टिकुलर जोन के सर्वर रखे हुए हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो यूटीएस का नेटवर्क एक तरह से देखे तो जोनल नेटवर्क जैसा है हमारे। और अभी यूटीएस का नेटवर्क जो है वो एक कंबाइंड नेटवर्क है, यूटीएस कम पीआरएस, वो उस कंबाइंड नेटवर्क का पार्ट है। तो यूटीएस कम पीआरएस का एक नेटवर्क होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक स्टेशन पे हमको एक ही नेटवर्क एक्सटेंड करके ले जाना है, उसी नेटवर्क से हम लोग यूटीएस के टर्मिनल भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसी से पीआरएस के टर्मिनल भी कनेक्ट कर सकते हैं। और छोटी लोकेशन जहां पर की टिकटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर एक ही टर्मिनल से यूटीएस और पीआरएस दोनों के टिकट इशू कर सकते हैं। मतलब जो हमारा थिन क्लाइंट है जो है वो उसी थिन क्लाइंट से वो यूटीएस कम पीआरएस लोकेशन कहलाती है। तो उससे आप यूटीएस के टिकट भी इशू कर सकते हो और पीआरएस के टिकट भी इशू कर सकते हो। तो एटीवीएम जो ऑटो टिकट वेंडिंग मशीन है, खासतौर पर जो हमारे सबर्बन यूजर होंगे वो इससे बहुत फैमिलियर होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज में आती है। वहाँ लाइन में खड़े रहना जल्दी कोई वो नहीं करता। तो वहाँ पर जो ATVM जो लगे हुए हैं वो ATVM UTS नेटवर्क का ही पार्ट है। इसके अलावा आप एक चीज और है कि जैसे नॉर्मली जो है हम लोग एक यहाँ का अगर नेटवर्क आर्किटेक्चर UTN का देखा जाए तो इसको मैं थोड़ा सा व्यू पूरा एक में आ जाए वैसा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ आप देखेंगे कि पीआरएस का नेटवर्क जो है वो जैसे यहाँ एससी दिखाया हुआ है, हमारे लिए हमारे केस में ये बीसीटी यहाँ आ जाएगा, ये स्विच यहाँ कनेक्टेड शो करेगा। तो पीआरएस और यूटीएस के जो सर्वर है उनसे स्विच कनेक्टेड है, वहाँ से अब वी तो 35 नहीं होता, ये 2 MB कनेक्टिविटी होती है सारी, 2 MB या फिर MPLS का VLAN कनेक्टिविटी है। और उससे डायरेक्टली जो है वो डिविजनल राउटर कनेक्टेड है, आप जो देखेंगे वो ये कनेक्टिविटी देखेंगे। तो यहाँ पे डिविजनल राउटर कनेक्टेड है, डिविजनल राउटर से स्विच कनेक्टेड है, उनसे थिन क्लाइंट भी कनेक्टेड है और रिमोट लोकेशन के थिन क्लाइंट भी इस तरह से कनेक्टेड है। तो अभी यहाँ पर जो डिवाइस यूज होती है वो सभी जगह राउटर बेस्ड कनेक्टिविटी हो गई है, जितने भी हमारी कनेक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन जो डिविजनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो राउटर बेस है। राउटर से छोटी लोकेशन भी राउटर से कनेक्ट होने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि रिडंडेंसी मिल जाती है आपको, पाथ रिडंडेंसी मिलती है आपको। एक पाथ अगर कहीं पर अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है कहीं पर अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सेकेंड पाथ से भी वहां पे कनेक्टिविटी आपको हो जाती है। तो नेटवर्क बेस्ड जो राउटर बेस्ड कनेक्टिविटी होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं। जैसे डिविजनल सर्वर जो डिविजनल राउटर है आपका जो मल्टीपल डिविजन से भी कनेक्ट रहता है। इसके अलावा आपका जो जोनल राउटर है, जोनल राउटर से भी मल्टीपल चैनल से RCL के और BSNL चैनल से कनेक्ट रहता है। अगर मान लीजिए RCL के नेटवर्क अकेले में दिक्कत आई है तब भी उसको रिडंडेंसी दूसरे पास से मिलती रहेगी, वो आपका नेटवर्क जो है वो चलता रहेगा। अब यहाँ एक चीज और है कि हम लोग नॉर्मली जो है जोनल राउटर का जो सिनेरियो जहाँ यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वो OSPF को यूज करते हैं। हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल जो यूज करते हैं वो OSPF यूज करते हैं यहाँ पर UTN नेटवर्क में। तो OSPF जो जोनल नेटवर्क जो है, डिविजनल नेटवर्क जोनल नेटवर्क से जिसमें कनेक्टेड है वो OSPF एरिया 0 कहलाता है। और हर एक डिवीजन में
मैक्सिमम 70 राउटर एक ओएसपीएफ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो नॉर्मली एक डिवीजन में दो ओएसपीएफ होते हैं, एरिया वन और एरिया टू, ऐसे नॉर्मली हर एक डिवीजन को दो एरिया में बांटा हुआ है। तो जितने भी हमारे जोनल मतलब वेस्टर्न रेलवे के जितने भी डिवीजन हैं उनमें हर एक में दो ओएसपीएफ एरिया होंगे, एरिया वन और एरिया टू, और आपका जो डिविजनल जो ओएसपीएफ है वो एरिया जीरो में है। ये भी ऑब्जेक्टिव का ही एक पार्ट है ये। तो अभी अभी अगर कुछ इश्यू है किसी को कोई कुछ मतलब पूछना है इस बारे में, कोई भी क्यूरी हो कुछ कुछ पूछना हो। एरिया जीरो, एरिया वन, एरिया टू, ये दोबारा जरा बोलिए। हाँ एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारे जो यूटी नेटवर्क है उसको जो प्रोटोकॉल पे जिस पे वर्क करता है वो राउटिंग प्रोटोकॉल है ओएसपीएफ, ओएसपीएफ यूज करते हैं। तो हमारे जोनल हेडक्वार्टर के जो जो डिविजनल राउटर जिस ओएसपीएफ के थ्रू कनेक्टेड है जोनल राउटर से, वो ओएसपीएफ एरिया जीरो में आ जाते हैं लोकल। वहाँ पे हेडक्वार्टर का जो नेटवर्क है, जो जोनल हेडक्वार्टर का नेटवर्क है, इसके अलावा डिविजनल नेटवर्क जो है वो उसमें एरिया वन और एरिया टू दो ओएसपीएफ में हर एक डिवीजन को बांटा हुआ है। क्योंकि एक एक जो नेटवर्क जो है आप उसमें 70 से ज्यादा राउटर आप उसमें नॉर्मली ओएसपीएफ में कनेक्ट नहीं करते, अच्छी रिडंडेंसी के लिए, जो राउट अच्छी राउटिंग के लिए जो है, जिससे आपका जो राउटिंग है वो इजी रहे और वो टाइमिंग उसमें बहुत ज्यादा कोलिजन ना हो, तो उसके लिए जो है उनको दो ओएसपीएफ में बांट दिया है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली डिविजनल लोकल लैंड को हम लोग दो मल्टीपल वीलैंड में बांट देते हैं, वैसे ही इजी राउटिंग के लिए इसमें ओएसपीएफ जो है वो दो भागों में बांटा रहता डिवीजन में, लेकिन जोनल जोनल पे एक ही जो ओएसपीएफ है ओएसपीएफ एरिया जीरो। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करें क्या, बताएं एक राउटर में कितने कनेक्शन कर सकते हैं? डिपेंड करता है राउटर की कैपेसिटी पे। एक्चुअली क्या है कि जो राउटर जो आते हैं वो दो पोर्ट के भी आते हैं, मतलब उसमें आप दो वैन को कनेक्ट कर सकते हो, दो वाइड एरिया नेटवर्क को। फिर चार पोर्ट के जो राउटर आते हैं उसमें चार वाइड एरिया नेटवर्क आप कनेक्ट कर सकते हो, चार मल्टीपल चार लोकेशन कनेक्ट कर सकते हो आप। आठ पोर्ट के जो राउटर रहते हैं उसमें आठ आप कनेक्शन दे सकते हो, 16 के भी आते हैं, 32 के भी आते हैं। जैसे जैसे आप हायर पे जब जाते हैं ना आप, तो वहां पे क्या होता है कि आपको उसकी राउटर की प्रोसेसिंग फिर उतनी ज्यादा हो जाती है। मल्टीपल लोकेशन कनेक्ट होने पे आप ट्रैफिक भी बहुत सारा बढ़ रहा है, उसकी कैलकुलेशन बढ़ेंगी बहुत सारी। एक राउटर जो करता है वो अपने अंदर आईपी एड्रेस की टेबल बना लेता है। तो स्विच जो होता है, बताएं। तो राउटर जो है, राउटर का मेन पर्पस क्या है, अपने नेबर्स जो भी रहते हैं उनकी आईपी एड्रेस टेबल वो अपने पास रखता है, वो अपने पड़ोस वाले को सबको जानता है, उसके पड़ोस वाले उनके पड़ोस वालों को जानते हैं। तो एक एक ही नेटवर्क में सारे एक दूसरे से जान पहचान के हो जाते हैं। जैसे मैं मुंबई वालों को जानता हूँ, मुंबई वाले वो राजकोट वालों को जानते हैं, तो वाया हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम लोग एक तरह से देखा जाए तो हम लोग राउटर ही हैं। डेटा हम लोगों को कुछ कम्युनिकेट करना होता है तो हम लोग मान लीजिए मुंबई वाले को मुझे कोई डाटा राजकोट भेजना है, मेरे पास राजकोट वाले का नंबर नहीं है, ये जानता नहीं हूँ मैं उसको, तो मैं वो डेटा मुंबई भेज देता हूँ, मुंबई उसको भेज देगा। पैकेट्स रहते हैं, पैकेट्स में डेटा ट्रांसफर होता है। तो यहाँ जो है हमारा राउटर मेन पर्पस यही है कि राउटर मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हो गए आपको। पहले जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जो था वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन अपग्रेड होकर आपका क्या हो गया, मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हो गए, कोई ना कोई पाथ तो आपके पास अवेलेबल रहेगा। सेम हम लोग अभी जो एसटीएम से जो एमपीएलएस में जा रहे हैं वो भी लगभग यही है। एमपीएलएस जैसे स्विच जो है, स्विच लेयर टू पे नॉर्मली वर्क करते हैं, राउटर जो है वो नेटवर्किंग लेयर थ्री पर वर्क करता है, और जो एमपीएलएस है वो राउटर और स्विच के बीच में है, लेयर 2.5 पे वर्क करता है नॉर्मली। तो एमपीएलएस में राउटिंग भी हो सकती है उसमें और लिंक प्रोटेक्शन भी हो सकता है। एसटीएम की लिमिटेशन सबसे बड़ी क्या थी कि उसमें सिर्फ दो लिंक थे आपके पास, एक आपका मेन पाथ फेल हुआ तो प्रोटेक्शन पे चलेगा, लेकिन एमपीएलएस में ऐसा नहीं है। एमपीएलएस में मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, वो किसी भी पाथ से होकर आ जाएगा। वो अगर कोई भी पाथ अवेलेबल होगा उसके पास
तो आपका सर्किट जो है वो किसी भी पाथ से चल जाएगा। ये MPLS का अब जो हम लोग नया जो स्विच करने वाले हैं उसका ये बेनिफिट होगा। तो अभी फ्यूचर में जो चेंजेस होने वाले हैं उसमें सब यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी सभी जगह, सभी लोकेशन एक सिंगल नेटवर्क IP नेटवर्क पे ही कंट्रोल हमारा चलेगा, उसी पे हमारा जो ये है आपका उसी पे UTS भी चलेगा, उसी पे PRS भी चलेगा, उसी पे वॉइस भी चलेगा, उसी नेटवर्क पे जो है वो हमारा मीन्स वहाँ पे VLAN अलग अलग होंगे, हर एक नेटवर्क का VLAN अलग अलग होगा, लेकिन जो हमारा पाथ होगा जो हमारा जो स्ट्रीम होगी वो एक ही होगी, तो हमको अलग अलग चीज़ें मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी वहाँ पर, डिवाइसेस बहुत सारी मेंटेन नहीं करनी पड़ेंगी, डिवाइसेस काफ़ी सारी कम हो जाएंगे, तो मेंटेनेंस भी इजी हो जाएगा वहाँ पर और समझना भी इजी हो जाएगा। राउटर सारे निकल जाएंगे? राउटर एक्चुअली राउटर निकलेंगे नहीं, लेकिन वो जो है हमारा जो रेलवे बोर्ड की जो गाइडलाइन है उसमें ये दिया हुआ है कि राउटर वहाँ पे लगेंगे, ईथरनेट राउटर लगेंगे, वो राउटिंग का वर्क नहीं करेंगे क्योंकि राउटिंग का काम जो है वो MPLS संभाल लेगा, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का VLAN डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोलिंग प्रोसेस कंट्रोलिंग का वर्क करेंगे वो। तो वहां पर राउटर अभी जो सिनेरियो जो रेलवे बोर्ड ने जो इशू किया था लेटर उसमें राउटर शो किए हुए उन्होंने, लेकिन उन्होंने ईथरनेट राउटर शो किए हुए हैं कि उसमें एक जो है वो ईथरनेट कनेक्ट होगा MPLS के थ्रू और एक ईथरनेट होगा वो लोकल उसके लिए कनेक्ट, बाकी उसमें वैन पोर्ट ज्यादा नहीं रहेंगे। और कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन? STM कौन से लेयर में वर्क करता है? STM जो है वो नॉर्मल लेयर 2 डिवाइस माना जाता है उसको, उसके एक्चुअली डेटा नेटवर्क का पार्ट नहीं है STM। STM एक अलग ही फ्रेम है उसका, STM के फ्रेम अलग होते हैं, लेकिन लगभग ये माना जाता है कि वो लेयर 2 पे वर्क करता है। ये क्वेश्चन मतलब जेन्युइन तो नहीं बोल सकते इसको क्योंकि वो STM के फ्रेम ही अलग है, वो डेटा नेटवर्क का पार्ट नहीं है, लेकिन STM से ऊपर जितने भी आएंगे फिर वो फिर नेटवर्किंग का पार्ट भी उसमें आ जाता है। सर इसको ट्रांसपोर्ट लेयर में तो नहीं कह सकते हैं STM को, ट्रांसपोर्ट लेयर में? हाँ ट्रांसपोर्ट लेयर बोल सकते हैं उसको सर, ट्रांसपोर्ट लेयर बोलेंगे तो लेवल 4 में आ जाएगा फिर। नहीं लेकिन एक्चुअली वो मैं यही बोल रहा हूँ कि वो ये 7 लेयर वाले पार्ट में है नहीं है, ये STM जो है STM का अलग ही प्रोटोकॉल है उसका, तो आप उसको 7 लेयर में काउंट नहीं कर सकते उसको। अभी ऑब्जेक्टिव डिस्कस करें हम लोग, तो इनिशिएट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेरे ख्याल से डिस्कस कर लेते हैं एक बार, तो काफी कुछ चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी इसमें। तो को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा थोड़ा सा, एक मिनट। ज्यादा छोटा कर, एक मिनट। अभी दिख रहे हैं सबको, विजिबल है क्या? हाँ सर। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में देखिए कुछ चीजें जो है ना वो याद रखने वाली हैं, तो हर एक लॉजिकल हर एक चीज़ नहीं है कि हर एक चीज़ उसको आप लॉजिक उसका होकर पाए, जैसे ये है IEEE, एज पर द IEEE स्टैंडर्ड द फॉर द 1000 बेस टी मीन्स 1 Gbps का जो आपका कनेक्टिविटी जो है वो उसकी प्रोटोकॉल कौन सी होती है, IEEE का प्रोटोकॉल जो होता है वो, देखिए आपका इसका आंसर जो है वो सी है, IEEE 802.3ab। अब जहाँ पर 803.2 जो है वो ईथरनेट की प्रोटोकॉल है, तो जब भी आप 802.3 आप देखोगे ना तो वो ईथरनेट से रिलेटेड रहेगी, तो 1.1 तो वैसे भी नहीं है इसका, तो यहाँ पे आप देखोगे 1000 के लिए जो है ना वो ए बी यूज में आती है। या और एक चीज और है कि जब आप 1000 Mbps पे जाते हैं तो नॉर्मली जो है वो हमारा एक ईथरनेट जो केबल होती है कंपोनेंट जो होते हैं वो मतलब जो वायर रहते हैं वो 8 वायर रहते हैं, मतलब 4 पेयर रहते हैं, ट्विस्टेड पेयर रहते हैं, तो जब 100 Mbps तक हम लोग वर्क कर रहे होते हैं ना, तो
तो उसमें सिर्फ दो ही पेयर यूज में आते हैं, लेकिन जैसे ही हम 1000 Mbps पे आते हैं तो वो चारों पेयर उसमें यूज में आने लगते हैं। तो इसका सेकंड जो है वो सेकंड क्वेश्चन है कि कराओके वो लोग गाने वाले हैं, टीवी में देख रहा था। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो द कॉस्ट ऑफ एक्सेस सॉल्यूशन फॉर द कनेक्टिंग डंप टर्मिनल्स एंड थिन क्लाइंट एट द रिमोट साइट फॉर पीआरएस यूटीएस यूजिंग। तो इसमें एक कंपोनेंट जो यूज में आ रही है, एक डिवाइस यूज में आती है यूटीएस में, जो अभी नई डिवाइस एक डेवलप हुई थी वो तो NETS करके डिवाइस डेवलप हुई थी। तो NETS में क्या है कि वो उसमें राउटर भी है, उसमें उसमें RS-232 पोर्ट भी है, मतलब उसमें टर्मिनल सर्वर भी इंक्लूड है, उसमें स्विच भी इंक्लूड है, उसमें राउटर भी इंक्लूड है। तीनों चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड कर दिया। मॉडम जो है वो डायरेक्टली आपके उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर तीन डिवाइस रखने की जगह एक डिवाइस कॉस्ट इफेक्टिव एक ही डिवाइस लग जाती है। तो ये इसके इसका सही आंसर जो है वो NETS है, द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द कनेक्टिंग डंप टर्मिनल एंड थिन क्लाइंट एट द रिमोट साइट फॉर द PRS UTS यूजिंग। तो इसमें तीनों चीज़ें हैं, इसमें राउटर भी है, TS भी है और स्विच भी है। अब थर्ड क्वेश्चन है, राउटर आर यूज टू कनेक्ट। राउटर नॉर्मली आप किसके लिए यूज करते हो? आप दो डिफरेंट IP एड्रेस स्कीम को ऐड करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए, दो वैन को कनेक्ट करने के लिए, मल्टीपल लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए, तो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आप इसको यूज करते हो, राउटर का यूज करते हो आप। जो IP एड्रेस जो है वो मतलब लैन टू वैन का जो कन्वर्जन, वो वैन टू लैन कन्वर्जन ये जो होता है वो राउटर करता है इसको। जैसे कई बार ये होता है कि हमारे यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी है, हमारे यहाँ जो लोकल एरिया नेटवर्क में है वो हमारे पास इंटरनेट का एक ही IP एड्रेस है, और हम लोग वो IP एड्रेस के थ्रू हमारा नेटवर्क जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड वेव से जुड़ा हुआ है, और हम लोग राउटर को एज ए प्रॉक्सी यूज करके उसमें नेटिंग करके और हम लोग अपने जो यूज़र हैं उनको इंटरनेट दे देते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते, वो राउटर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ राउटर क्या कर रहा है, राउटर यहाँ डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है। सिंपल सी चीज़ याद रखें कि राउटर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क और राउटिंग के लिए, मल्टीपल पाथ्स के लिए, दो इसके काम है राउटर के, जो मेन दो वर्क है वो ये हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये याद रखने वाली चीज़ है, नंबर ऑफ बिट्स इन द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, किसी भी डिवाइस का जो है वो जब भी कोई भी नेटवर्क डिवाइस जब मैन्युफैक्चर कोई करता है तो नेटवर्क जो जिसमें मैन्युफैक्चर होता है वो NIC जैसे कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसमें एक परमानेंट एड्रेस उसको दे देता है, उसके रूम में सेव कर देता है, और वो एड्रेस होता है मैक एड्रेस। ये उसका फिजिकल एड्रेस है, ये बदलता नहीं है कभी भी किसी भी नेटवर्क में। जो आपके लॉजिकल IP एड्रेस लॉजिकल एड्रेस है वो बदलता है, लेकिन मैक एड्रेस कभी बदलता नहीं है। तो ये मैक एड्रेस जो है वो 48 बिट का एड्रेस है, ये इसका सही आंसर सी है, 48 बिट का। अभी मैक्सिमम स्पान लेंथ ऑफ द UTP STP केबल फॉर द ईथरनेट कनेक्शन। ईथरनेट कनेक्शन, आप ईथरनेट केबल को STP केबल को कितना लंबा ले जा सकते हैं मैक्सिमम, वो 100 मीटर तक ले जा सकते हो आप, अगर रिलायबल कम्युनिकेशन आपको करना है थोड़ा। अगर ये वेरी करता है आपके स्विच जो भी है या डिवाइस जो लगी हुई है, जो सेंडिंग डिवाइस है और जो रिसीविंग डिवाइस है, दोनों इनकी जो डिवाइस है उनके उन पर डिपेंड करता, और बाकी आपने क्रिम्पिंग कैसी की हुई है, आपकी केबल इंटैक्ट है कि नहीं है, मेन चीज केबल में कहीं ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। अगर ये सब आइडेंटिकल है, सब अच्छा है, तो 100 मीटर से लगभग Cat5 केबल को आप एक्सटेंड कर सकते हो। कुछ अगर कोई भी वो डाउट हो तो पूछते जाइएगा प्लीज। 100 बेस टी टाइप ईथरनेट यूज। अब आप 100 Mbps का कनेक्शन, अगर ईथरनेट कनेक्शन अगर यूज कर रहे हो तो उसके लिए UTP STP केबल यूज होगी, ये इसका तो सीधा सीधा आंसर है। फिर ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूजली सफर फ्रॉम। अभी अगर आप ईथरनेट टेक्नोलॉजी की बात अगर करें तो हब, हमारे जो पुरानी डिवाइसेस थी हब जो होती थी फिजिकल कनेक्टिविटी देती थी, वो हब को हटाने का मेन रीज़न यही था कि वो ब्रॉडकास्ट और कोलिजन उनमें बहुत ज़्यादा होता था,
सर ये यूटीपी एसटीपी केबल फुल फॉर्म क्या होता है? ये जो ना यूनिफॉर्म ट्विस्टेड पेयर कहलाता है और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसमें इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर सर। अच्छा सॉरी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो इसमें मेन क्या होता है, जो आपके पेयर जो रहते हैं ना वो ट्विस्टेड रहते हैं, यूनिफॉर्मली ट्विस्टेड रहते हैं वो। और आपके जैसे चार पेयर हैं आपके, वो ब्लू और ब्लू ब्लू वाइट का मेट रहेगा उसमें, ऑरेंज और ऑरेंज का मेट रहेगा उसमें, फिर ग्रीन और ग्रीन का मेट रहेगा, और ब्राउन और ब्राउन का मेट रहेगा। ये चार पेयर उसमें रहेंगे। अब शील्डेड वाले में उसके ऊपर आपकी शील्डिंग भी रहेगी, तो शील्डेड जो केबल रहेगी उसका नॉर्मली यूज हम लोग आउटडोर में करते हैं, जिससे उसमें स्ट्रेंथ भी रहे और अर्थिंग के लिए भी उसका उसका यूज कर लेते हैं, कि जो जो उसका शील्ड जो रहती है उसको अर्थ कर देते हैं। तो नॉर्मली इसके लिए जो कैट जो हम लोग आगे फुटे जो रहते हैं वो भी शील्डेड रहते हैं फिर उसमें। अभी ईथरनेट टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे कि जो नॉर्मली सफर जो करती है वो ब्रॉडकास्ट और कोलिजन से करती है। जो ईथरनेट टेक्नोलॉजी का मेन सबसे बड़ा जो आपको ब्रॉडकास्ट जो है, अगर ट्रैफिक किसी चीज में बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, ब्रॉडकास्टिंग मतलब बहुत सारी ट्रैफिकिंग हो रही है उस पाथ सेम पाथ पर, और कॉलिजन मतलब वो आपस में टकरा रहे हैं डेटा, अगर वो कोलाइड कर रहा है आपस में, तो उस कंडीशन में जो है वो इथरनेट आपका जो नेटवर्क है वो स्लो हो जाएगा। तो कॉलिजन रोकने के लिए सारे जितने भी स्विचेज रहते हैं उनमें कॉलिजन डोमेन रहते हैं, उनमें उनमें प्रोटेक्शन रहते हैं इस तरह से। जैसे हम लोग स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो अगर लूप कहीं पर भी हो जाता है नेटवर्क में तो वो उसको अवॉइड कर देता है। टेन बेस टू बहुत पुराना नेटवर्क जो जो बस नेटवर्क जो यूज होता था उसमें कोएक्सियल केबल यूज करते थे। तो कोएक्सियल केबल से एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से रिंग में कनेक्ट रहते थे, सारे टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। ये 10 बेस पुराना नेटवर्क था, इनिशियल नेटवर्क जो था वो 10 बेस 2, तो इसमें कोएक्सियल केबल यूज में आती थी। इन 10 बेस 2 द मैक्सिमम केबल रन, ये याद रखने वाली चीज है कि 185 मीटर। 10 बेस 2 में जो है वो मैक्सिमम केबल की डिस्टेंस जो है वो लेंथ जो हो सकती है वो 185 मीटर थी होती थी। टेन बेस फाइव भी थोड़ा सा हाई स्पीड उससे हायर नेटवर्क था, तो वो 10 बेस 5 नेटवर्क भी क्वेश्चन केबल के थ्रू ही कनेक्टेड नेटवर्क था, और इसमें मैक्सिमम लेंथ जो हो सकती थी वो केबल की वो 500 मीटर की हो सकती थी। द 10 बेस द मैक्सिमम केबल रन 500 मीटर। तो अभी ये नेटवर्क नॉर्मली ऑब्सोल्यूट हो गए हैं। गीगाबाइट ईथरनेट, 10 गीगाबाइट ईथरनेट ट्रांसमिट डैश नंबर ऑफ 10 बिट्स पर सेकंड, 10 GB। तो 10 GBPS की जो कनेक्टिविटी है वो आपका 1 बिलियन बाइट पर सेकंड ये ट्रांसमिट करता है। जो 10 GB ईथरनेट जो है 10 GB का जो कनेक्शन है वो आपका 1 बिलियन बाइट पर सेकंड ट्रांसमिट कर सकता है। सर आंसर में 10 लिखा है, आंसर 10 मिलियन लिखा हुआ, बिलियन 10 गीगाबिट का 10 मिलियन आएगा। 1 गीगाबिट इज इक्वल टू 1 मिलियन, 10 मिलियन, 10 बिलियन सॉरी। अभी ट्रेडिशनल लैंड स्विच ऑपरेटेड लैंड स्विच जो नॉर्मल लैंड स्विच है वो लेयर 2 पे ऑपरेट होता है। लैंड स्विच जो है नॉर्मल लैंड स्विच जो है वो लेयर 2 पे ऑपरेट होता है। द हार्डवेयर और मैक एड्रेस इज बर्नड ऑन विच पार्ट ऑफ द NIC, रोम पे, रीड ओनली मेमोरी जो है उस पे इसको मैक एड्रेस, जब कंपनी मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको मैक एड्रेस की जो सीरीज दी हुई होती है वो सीरीज का एक मैक एड्रेस जो है वो उस पर्टिकुलर उसकी रोम पर जो है वो राइट करता है उसको। ये नॉन चेंजेबल है, मैक एड्रेस कभी बदलता नहीं है किसी भी चीज का।
जैसे IMEI नंबर आपके मोबाइल का होता है वैसे ही ये मैक एड्रेस होता है। तो ये स्विच एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन यूजिंग एड्रेस, तो स्विच क्या करता है अपने पास मैक एड्रेस की टेबल बनाता है, जैसे राउटर अपने पास आईपी एड्रेस की टेबल बनाता है वैसे स्विच जो है वो मैक एड्रेस की टेबल बनाता है और किस मैक एड्रेस ने क्या रिक्वेस्ट दी हुई थी। ये मेनली मैक एड्रेस का यूज करने का भी यही फायदा होता है कि ये कॉलिजन को रोक देता है, किस मैक एड्रेस ने क्या मांगा वो उसको भेज रहा है, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, सबको नहीं भेजेगा कि तुमको ये तो ये तुम्हारा है कि नहीं है, तुम्हारा है कि नहीं है, हर डोर को जाके नहीं खटखटाएगा कि ये जो लेटर है वो आपका है कि नहीं है, ये पार्सल आपका है कि नहीं है, वो सिंपल जिस मैक एड्रेस ने जो मांगा उसको भेजेगा। तो इससे कॉलिजन रुक जाता है, कॉलिजन और जो ब्रॉडकास्टिंग है वो कम हो जाती है। मीडियम यूज इन 100 बेस FX, देखिए F जहां पर आ गया वो फाइबर ऑप्टिक केबल वहां पर, ये इससे सिंपल F से याद रख सकते हो क्या FX जहां पर आया जाएगा ये, तो ये मीडियम यूज इन द 100 बेस FX ईथरनेट इज। तो जो स्विच आजकल जो आते हैं उनमें SFP लगे रहते हैं, SFP बेस जो है वो सिर्फ अपलिंक और डाउनलिंक के लिए नहीं, इंटरकनेक्टिविटी के लिए या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वहां पर फाइबर का यूज कर सकते हो। तो फाइबर बेस स्विच से मेनली जहां पर हमारे पास बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, 100 मीटर से ज्यादा हमको जाना है, और जो लोकेशन कनेक्ट करनी है जैसे कैमरे के लिए लोकेशन है हमारे, अभी जो ये है कोच गाइडेंस जो है वो भी फाइबर बेस्ड हो रहे हैं, तो उन सब जगह कनेक्टिविटी के लिए हम लोग जो ना फाइबर बेस स्विच यूज करते हैं और उसमें जो कनेक्टिविटी रहती है वो 100 बेस FX ईथरनेट यूज करते हैं। इन द कोएक्सियल ईथरनेट द ट्रांसमिशन मोड, कोएक्सियल ईथरनेट जो जो आपने अभी देखे थे जो पीछे जो मतलब 10 बेस 5 और जो नेटवर्क देखे थे, तो इसमें नेटवर्क मोड जो ट्रांसमिशन मोड रहता था वो हाफ डुप्लेक्स रहता था उसमें, ये कोएक्सियल वाले जो कोएक्सियल केबल से 10 बेस 5 तक ही था, उसके बाद जो चेंज हुए वो हम लोग ये Cat5 पर शिफ्ट हो गए, तो ये नेटवर्क कभी यूज में नहीं आते हैं। फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ वीसेट कम्युनिकेशन, देखिए ये जो है ये अगर वीसेट के सिनेरियो में बात करें तो सी बैंड, केयू बैंड और एक्सटेंडेड सी बैंड, ये यूज में आते हैं, लेकिन हम लोग जो रेलवे में मेनली यूज करते हैं वो केयू बैंड को यूज करते हैं, लेकिन पूरा जो बैंड जो अवेलेबल है वो ये सी बैंड, केयू बैंड और एक्सटेंडेड सी बैंड अवेलेबल है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो सी बैंड, केयू बैंड और एक्सटेंडेड सी बैंड, अगर यहाँ सिर्फ रेलवे पूछते अकेला तो रेलवे में फिर केयू बैंड हो जाता है। सर इसका ऑफलिंक और डाउनलिंक का कुछ ये है क्या, उसका क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, फ्रीक्वेंसी है ना उसका, अलग 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 फ्रीक्वेंसी। ऑफलिंक डाउनलिंक का फ्रीक्वेंसी क्या क्या है इसका? हाँ तो ये जो है ना कल हम लोग जो है ना वीसेट के बारे में अलग से पूरा डिस्कस करने वाले हैं, कल एक क्लास जो है उसमें वीसेट है, ईथरनेट रेडियो है और आपका टनल कम्युनिकेशन है और एक CCTV है, तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ये चीज। ठीक है, कितना टाइम हो गया, एक सेकंड टाइम। एज पर IEEE स्टैंडर्ड द वायर्ड लैन इज, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 802.3 ये आपके ईथरनेट के लिए ही यूज होगा ये सीधा। तो वायर्ड ईथरनेट लैन इज IEEE 802.3, जैसे वहां पर 802.3 AB वो था गीगाबाइट ईथरनेट के लिए, ऐसे ये IEEE 802.3 जो है वो ईथरनेट लैन है। ऑल 4 pair आर यूज इन द ईथरनेट ट्रांसमिशन, मैंने आपको बताया था कि 1 Gbps का जहां पर भी कम्युनिकेशन होगा वहां पर आपके जो चारों पेयर जो STP या UTP केबल जो है उसके चारों पेयर यूज में आएंगे, तो जहां 1000 Mbps की जो कनेक्टिविटी होगी या 1 Gbps की जहां कनेक्टिविटी होगी वहां पर आप चारों पेयर यूज में लाओगे। CRC चेक, तो CRC चेक जो है वो इसको ये यूज होती है, CRC जो होती है वो फिजिकल मतलब सॉरी
डाटा लिंक लेयर पे चेक होती है, यानी स्विच स्विच वाले लेयर पे। तो सीआरसी चेक जो है वो लेयर 2 पर होती है। थोड़ा सारे लेयर के बारे में बताइए सर, सेवन लेयर के बारे में। तो एक मिनट, आप लोग का नेटवर्किंग वाला पार्ट अभी नहीं हुआ था, एक ही मिनट रुकिए, सिर्फ लेयर के बताइए सर। लेयर, हाँ लेयर बता देता हूँ एक मिनट बता देता हूँ। ये देखिए, अगर सिंपल में अगर ओएसए मॉडल के अगर देखें ना, तो फिजिकल लेयर जो है, फिजिकल लेयर क्या करती है, ट्रांसमिट रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम, मतलब जो आपके सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है। फिजिकल लेयर जो है वो फिजिकल कनेक्टिविटी आपकी जो रहती है, जैसे आपकी केबल है, ये सब चीज़ें, और जो हब है ये सब फिजिकल, या इथरनेट है जो आपका आरजे फुटे हुई है, ये सब किस में आएगा, फिजिकल लेयर में आएगा। डाटा लिंक लेयर जो है वो डाटा लिंक लेयर फॉर्मेट ऑफ डाटा, मतलब जो किस फॉर्मेट में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होगा, यहीं पर इथरनेट फ्रेम आपके बन जाएंगे। यहाँ पर जो है वो फ्रेम्स में डाटा ट्रांसफर होता है, और ये डाटा लिंक लेयर पे ये वर्क होता है। सीआरसी चेक जो है, जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, वो सीआरसी चेक इसी में होता है। ये थर्ड लेयर जो है वो नेटवर्किंग लेयर है। नेटवर्किंग लेयर जो है वो राउटिंग जो है इस पे वर्क होती है। इसमें जो ट्रांसमिट जो होता है वो पैकेट्स में होता है, ट्रांसमिशन जो होता है पैकेट्स में होता है, प्लस मल्टीपल पार्ट्स जो है इसमें, क्योंकि नेटवर्क लेयर है तो राउटिंग भी यहीं पर होगी। और यहाँ पर जो है वो आईपी एड्रेस टेबल बनेगी। डाटा लिंक लेयर जो है वो मैक एड्रेस पे वर्क करता है, फिजिकल एड्रेस पे वर्क करता है, लेकिन जो नेटवर्किंग लेयर है, नेटवर्किंग लेयर में जो वर्क करेगा वो आपका आईपी एड्रेस पे वर्क करेगा, आईपी एड्रेस टेबल बनेगी यहाँ पर। फोर्थ जो लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो इसमें डाटा ट्रांसमिट डाटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, TCP और UDP दो प्रोटोकॉल इसमें यूज होते हैं। तो ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का यूज करके डाटा ट्रांसमिट करते हैं। सेशन लेयर जो है वो सेशन लेयर का काम, फिफ्थ लेयर जो है सेशन लेयर का काम जो है वो कि जो भी सेशन आपका इनिशिएट हो उसको मॉनिटर करना, उसको ऑब्जर्व करना और उसको टर्मिनेट करना, तीन इसके काम है कि और इसका मतलब जो भी आपके सेशन स्टार्ट हुआ उसको मॉनिटर करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा और टर्मिनेट करेगा, मतलब इनिशिएट, मॉनिटर और टर्मिनेट किसी भी सेशन को करना। और प्लस इसका काम जो है वो पोर्ट कंट्रोलिंग, जैसे आपके जो पोर्ट्स होते हैं, आप जो देखते हो FTP पोर्ट होते हैं, या फिर 1010 लिखते हो आप कई बार, इसमें 1080 लिखते हो, ये सारे जो है वो ये सब सेशन लेयर पे आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर के जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है ना वो यहाँ पर वर्क करता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो एनक्रिप्शन ऑफ डाटा और डिक्रिप्शन ऑफ डाटा वर्क एट प्रेजेंटेशन लेयर। और फाइनल जो है वो एप्लीकेशन लेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, या वो जितने भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग भले कमांड प्रॉम्प्ट के लिए CMD यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग जो एप्लीकेशन फाइनली यूज़ करते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं, जैसे NMS भी हुआ, ये सब एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। बराबर है क्या, कुछ और कुछ इसमें? कैसा इक्विपमेंट भी देते तो अच्छा रहता। कैसा इक्विपमेंट के बारे में क्या? हाँ, इसमें सारे हर लेयर के बारे में इक्विपमेंट भी होता तो अच्छा रहता, एग्जांपल देते तो। इक्विपमेंट एक्चुअली क्या, मुझे इसका ये पता था कि ओएसए लेयर वगैरह आपके हो चुके हैं, नेटवर्किंग में अलग से हो चुके हैं, इसलिए मैंने वो अभी वो नहीं किया यहाँ पे। मैं कल ऐसा होगा तो कल शेयर कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी थोड़ा ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है डिस्कस कर लेते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हैं काफ़ी सारे हैं, और आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगा जहाँ तक है। रेलनेट जो है वो पीछे कोई छोटा तो नहीं है,
रेलनेट क्या है? रेलनेट एक इंटरनेट है, ये इंटरनेट नहीं है, हमारा खुद का नेटवर्क है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है लेकिन इंटरनेट नहीं है, ये हमारा इंटरनेट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो नेटवर्क कहलाता है वो इंटरनेट कहलाता है, इंटरनल नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है, तो रेलनेट एक इंटरनेट है। कनेक्टिविटी ऑफ रेलनेट बैकबोन, रेलनेट की जो बैकबोन कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि ये मेनली RCL की MPLS कनेक्टिविटी है, हमारे रेलनेट की जो भी कनेक्टिविटी है वो बैकबोन कनेक्टिविटी पूरी RCL की बैकबोन है, RCL MPLS पे बेस्ड है, और हमारा ISP भी जो है वो रेलनेट नेटवर्क का ISP जो है वो रेलटेल ही है, मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है हमारा, तो हमें इंटरनेट जो मिलता है वो रेलटेल से मिलता है। फिर रजिस्टर्ड डोमेन फॉर द रेलनेट, पहले आपने अगर रेलनेट वाली मेल आईडी अगर देखी होगी तो railnet.gov.in, जैसे मान लीजिए snt@railnet.gov.in, ये रेलनेट की आईडी थी पहले, और इनसे आप ईमेल अपना एक्सेस कर सकते थे, और आपका ई ऑफिस में अभी आईडी जो है वो gov.in मतलब NIC की आईडी हो गई, ये हमारे रेलवे बोर्ड की आईडीज थी, अब वो और NS होके जो है वो अभी हमारे कॉमन नेटवर्क से हम लोग कनेक्ट हो गए NIC, तो NIC ने हमको आईडी जो दी है वो gov.in की दी हुई है, जितने भी आप ई ऑफिस में आईडी यूज़ करते हो वो gov.in की आईडी यूज़ करते हो। तो सबनेटेड मास्क यूज इन द रेलनेट, तो मैंने आपको बताया था कि क्लास बी का IP एड्रेस स्कीम यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो क्लास बी में जो है वो सबनेट /16 का हम लोग चूंकि नेटवर्क यूज करते हैं तो 255.255.0.0 ये जो है वो इसका सबनेट है रेलनेट का, ये जोनल लेवल पे। तो ये जैसे हम लोगों ने वहां पे एग्जांपल में देखा था द आईपी एड्रेस अलॉटेड टू द राउटर इन द रेलनेट एज यूनिफॉर्म मेजर इट, तो यहाँ पर 10.x.2.1 जो ये है ये सभी जगह के इसी रेंज के रहेंगे, तो जहाँ पर भी राउटर के आईपी एड्रेस रहेंगे वो 10.x.x.0.0 सीरीज के रहेंगे, भले यहाँ पर 0.1 सीरीज के रहेंगे, यहाँ पर ये 2 की जगह जो भी जो अपना जो जोन रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे 2 की जगह 3, 4, 5 ऐसे चेंज होते रहेंगे। और IP नंबर एलोटेड टू वेव सर्वर, वेव सर्वर के लिए मैंने बताया था .19 यूज होता है, तो यहाँ पे 10.x जो सर्वर का जो अपना राउटर का एड्रेस है उसमें लास्ट में 1 की जगह 19 हो जाएगा, तो 10.x.2.19 क्योंकि हमारा गेटवे जो है गेटवे वाला जो आईपी एड्रेस रहेगा गेटवे के लास्ट तक तो सेम ही रहेगा, सिर्फ वहाँ पर उसका जो वेव का एड्रेस होगा वो 1 की जगह 19 हो जाएगा। जैसे WR में जो है हमारा 10.3.2.19 है, आप अगर देखेंगे तो जो WR का हमारा जोनल जो है जोनल सर्वर का आईपी एड्रेस अलग है 10.3.2.55, वही चीज सर WR में तो अलग ही फॉलो, जैसे राउटर का है राउटर का भी अलग सीरीज रखते हैं जोन ने किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी वजह से चेंज कर दिया उसका तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इनिशियल जो आईपी एड्रेस जो थे वो .19 ही थे सभी जगह के, इनिशियल में जो आईपी एड्रेस स्कीम थी वो यही थी, अभी बाद में जोन ने अपने कन्वेंट के लिए या फिर किसी और वो आईपी एड्रेस कहीं और यूज किया हो तो चेंज किया हो, क्योंकि बाकी अगर आप जोन के देखोगे ना तो .19 ही मिलेंगे आपको अधिकांश के। अभी मैं रेलनेट
पे अवेलेबल नहीं है तो रेलनेट में ओपन करके दिखाता तो सीरीज ऑफ आई पी एड्रेस इज यूज इन रेलनेट 10 सीरीज हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो है और आई पी एड्रेस स्कीम फॉर द रेलनेट इज तो हम लोग यहाँ पर जो आई पी 10 सीरीज की जो आई पी एड्रेस स्कीम होती है वो प्राइवेट होती है तो हम लोग आई पी एड्रेस स्कीम जो यूज कर रहे हैं वो प्राइवेट वाली आई पी एड्रेस स्कीम यूज कर रहे हैं जैसे एक सेकेंड इसमें भी देखेंगे आप यहाँ पे आई पी एड्रेस स्कीम जैसे है ये तो यहाँ पे वाला नहीं हो शायद इसमें तो बैकबोन कनेक्टिविटी ऑफ वॉइस नेटवर्क तो बैकबोन कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया कि ये वॉइस नेटवर्क की बैकबोन कनेक्टिविटी 2 Mbps की डाटा लिंक लाइन है भले वो RCL की हो और या फिर आपका जो BSNL की हो तो बैकबोन कनेक्टिविटी जो है वो 2 Mbps की डाटा लाइन है और अब जो है वो उनको और एनहेंस करके MPLS के ऊपर 4 Mbps के VPN लिए हुए हैं तो यहाँ 4 Mbps चूंकि ऑप्शन में नहीं है 4 Mbps VPN ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे जो डाटा लाइन जो है वो 2 Mbps डाटा लाइन इनमें बैकबोन में है इसमें आर्किटेक्चर ऑफ वॉइस वॉइस चूंकि सर्वर इसके मेन सर्वर जो है वो दिल्ली में ही है स्टार टोपोलॉजी में वर्क करते हैं और ये जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जो हमारा वॉइस नेटवर्क है भले PRS का नेटवर्क भी हो वो भी क्लाइंट सर्वर ही है तो आर्किटेक्चर ऑफ वॉइस नेटवर्क क्या है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है एप्लीकेशन और डाटाबेस सर्वर ऑफ द वॉइस आर लोकेटेड एट SNDLS जैसे मैंने बताया कि सेंट्रलाइज है वहाँ पे और सभी जो आपका जो एप्लीकेशन और डाटाबेस सर्वर वॉइस के जो है वो सभी लोकेटेड है किस दिल्ली में टोपोलॉजी ऑफ वॉइस नेटवर्क टोपोलॉजी ऑफ वॉइस नेटवर्क जो है वो डिविजनल लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैश टोपोलॉजी में रहता है तो अभी आप स्टार टोपोलॉजी बोले थे इससे पहले नहीं स्टार टोपोलॉजी में जो है वो आप डिविजनल लेवल पे नहीं है डिविजनल और जोनल लेवल पे नहीं है सिर्फ आपका जो क्रिस जो कनेक्टेड है क्रिस सारे लोकेशन जो है वो क्रिस से कनेक्टेड है जो डिविजन है जो लेकिन डिविजन लेवल पे जो टोपोलॉजी आप यूज कर रहे हो वो मैश टोपोलॉजी यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी क्रिस के लिए सिर्फ डिविजन से क्रिस के बीच में अच्छा क्योंकि सारे डिविजनल हेडक्वार्टर जो है ना वो क्रिस से कनेक्टेड है सारे लोकेशन नहीं अगर सारे लोकेशन कनेक्टेड होते जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 लोकेशन है सारे 10 के 10 अगर वहां कनेक्ट होते मीन्स आपके जो दिल्ली क्रिस से कनेक्टेड अगर होते तो वो फिर स्टार टोपोलॉजी पूरे पूरा नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी कहलाता है वो तो फिर सर इसमें मिक्स वाला नहीं लगा सकते क्या सर स्टार प्लस बेस लिखा हुआ उसने तो देखिए एक्चुअली जब आप वो चीज बता रहे हैं कि उसमें डिविजन लेवल पे मेस होगा और जो क्रिस लेवल पे स्टार होगा देखिए ये आपने स्पेसिफाई तो किया नहीं है नहीं लेकिन ये जो आंसर जितने भी है वो ये सब इरेसेट के आंसर है तो उन्होंने सब क्रॉस वेरीफाई करके उसको वो किया है अपडेट किया है तो अगर सर ऐसा नहीं है मॉडल्स में इनके आंसर भी गलत है जी जी ये वो नहीं है कि कंफर्म 100% सही है ओके 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 चलिए मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कल मैं कंफर्म करके बता दूंगा आपको ये हाइब्रिड टोपोलॉजी भी यूज करते हैं ना ये तो मिक्स्ड होगा सर मिक्स्ड सर इसका आंसर मिक्स टोपोलॉजी है मिक्स टोपोलॉजी ओके ओके और वॉइस नेटवर्क
इसको चेंज कर देंगे इसको यहाँ पे वॉइस नेटवर्क इज फॉर। तो वॉइस नेटवर्क जो है वो हमारा रैक मैनेजमेंट के लिए भी है, टर्नल मैनेजमेंट के लिए है, जो आर आर जनरेशन के लिए भी है। तो इसका इसका सही आंसर बी है इसका। ये आर आर जनरेशन क्या है सर? एक सेकेंड, सिर्फ जनरेशन होते हैं ये, लेकिन जैसे इसका एक मिनट बताता हूँ मैं। तो आर आर रैक की इन्फॉर्मेशन होती है? नहीं, मुझे लगता कि आर आर होते हैं जैसे इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता दूंगा। आर आर का रैक रीबुकिंग है सर। जी जी, रैक का रीबुकिंग, रैक रीबुकिंग। अच्छा, रैक रीबुकिंग, ओके ओके। रीबुकिंग जनरेशन, वॉइस स्टैंड फॉर फेराइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पी आंसर है इसका। कॉन्सर्ट इज डेवलप बाय किसने डेवलप किया था कॉन्सर्ट को? जो पी आर का जो सॉफ्टवेयर है, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआरएस इंडियन रेलवे टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टिकट देने के लिए पीआरएस नेटवर्क का यूज होता है। एडिशनल सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू पीआरएस नेटवर्क आर, तो उसमें आईवीआरएस भी है, पोएट भी है, पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल और रैपिड डिस्प्ले भी है। तो PRS में IVRS आप लोगों के किसी के चल रहे हैं क्या अभी? तो IVRS अब सब जगह शायद बंद हो गए हैं, सिर्फ जो 139 जो है ये इसका मींस जो IRCTC का है वही IVRS है अभी। हम लोग रेलवे में कहीं IVRS मेंटेन नहीं कर रहे, PRS बेस्ड है। आप लोग हैं कहीं पर? NETS नेटवर्क टर्मिनल सर्वर। तो ये 3-in-1 है, जैसे मैंने बताया आपको कि राउटर भी है, स्विच भी है और टर्मिनल सर्वर भी है। मतलब सीरियल कनेक्टिविटी भी देता है, राउटिंग भी करता है कि आपके अदर चैनल भी आके कनेक्ट हो जाएंगे, वैन कनेक्टिविटी भी देगा और स्विच के थ्रू लैंड कनेक्टिविटी भी देगा। थिन क्लाइंट भी आप कनेक्ट कर पाओगे, आप वहाँ पे चार्टिंग टर्मिनल भी कनेक्ट कर पाएंगे, आपके जो रिजर्वेशन के टर्मिनल है डम टर्मिनल भी कनेक्ट कर पाओगे, और रैपिड डिस्प्ले अगर कनेक्ट करना है या पोएट कनेक्ट करना है, कुछ भी जो भी आपके जो पीआरएस से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन है वो सभी एक 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 सिर्फ एक डिवाइस लगा के कनेक्ट कर सकते हो आप वहाँ पर। और टर्मिनल सर्वर अलाउ, तो टर्मिनल सर्वर में जो एक टर्मिनल सर्वर में नॉर्मली 16 पोर्ट होते हैं जो सीरियल पोर्ट होते हैं, और एक जो है वो ईथरनेट पोर्ट होता है। तो नॉर्मली ये तो सीरियल टू ईथरनेट और ईथरनेट टू सीरियल कन्वर्टर, मतलब वाइस वर्सा करता है। तो सीरियल मतलब RS-232। तो इसका आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, RS-232 ईथरनेट कन्वर्जन। अच्छा, पीआरएस नेटवर्क इज ऑपरेटेड थ्रू डैश नंबर्स ऑफ रीजनल सेंटर। तो जैसे मैंने बताया था, पांच लोकेशन है जहां से पीआरएस नेटवर्क ऑपरेट होता है। तो चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी प्लस हैदराबाद। UTS will provide the facility to purchase unreserved ticketing. तो जैसा आपको बताया था कि 3 दिन एडवांस जो है आप UTS का टिकट ले सकते हैं, इवन मोबाइल से भी, मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। तो UTS से आप मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू 1 day होता है सर?
एडवांस 3 डे एडवांस है, 1 डे एडवांस में होता है सर, यूटीएस यूटीएस 3 डे एडवांस है, कंफर्म है ये? तत्काल टिकट होता है 1 डे एडवांस ऐसा? हाँ तत्काल, तत्काल तो एक दिन पहले ही रहता है वो तो, लेकिन ये यूटीएस टिकट 3 डे एडवांस है, ये 3 दिन एडवांस ले सकते हैं आप, एक दिन पहले किसी भी स्टेशन से कैंसिल करा सकते हैं और आप सेम स्टेशन से उसी दिन कैंसिल करा सकते हैं। ऑन द डे ऑफ द जर्नी द यूटीएस टिकट कैन बी कैंसिल्ड स्टेशन द जर्नी स्टार्टिंग स्टेशन, जिस स्टेशन से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो वहां पे आप उसको टिकट को कैंसिल करा सकते हो, जिस दिन जर्नी है उसी दिन। द पैसेंजर कैन कैंसिल देयर यूटीएस टिकट फ्रॉम एनी स्टेशन एटलीस्ट 1 डे एडवांस, एक दिन पहले आप किसी भी स्टेशन से कैंसिल करा सकते हैं। UTS stand for unreserved ticketing system. इसका full form ही है ये unreserved ticketing system. और application in the UTS are divided into module. So ticketing subsystem, fare and UDM or TDM. UDM TDM आप लोगों को मालूम है क्या ये? जो यूटीएम टीडीएम इसमें बताया हुआ है, ये सर बताइए। नहीं एक्चुअली मैंने भी ढूंढा तो मुझे नहीं मिला था ये, मैं कमर्शियल वाले किसी से पूछ के आपको बता दूंगा कल। तो एप्लीकेशन इन द यूटीएस आर डिवाइडेड इन द टिकटिंग सब सिस्टम, फेयर है चूंकि फेयर उसमें होता ही है, टिकटिंग सब सिस्टम भी है तो इसका और किसी में ये ऑप्शन दिया हुआ नहीं है जहाँ पे फेयर और वो दोनों साथ में आ रहे हो, तो यूडीएम और टीडीएम जो है वो मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। तो कमर्शियल टर्म है ये, मतलब हम लोग में यूज नहीं होते नॉर्मली। और यूटीएस कैन प्रोवाइड कंप्यूटराइज अनरिजर्व टिकट थ्रो, इसमें जो है वो स्मार्ट कार्ड के थ्रू भी टिकटिंग होती है, हैंडल टर्मिनल के थ्रू भी होती है और एटीवीएम के थ्रू भी होती है, तो तीनों के थ्रू ये यहाँ पे आपकी जो अनरिजर्व टिकटिंग है वो तीनों के थ्रू होती है। बैकएंड आर्किटेक्चर ऑफ यूटीएस इज 4 टियर, इसमें ये नेटवर्क में अगर आप देखोगे यूटीएस का तो एक्चुअली टीयर 4 वाला डायग्राम है नहीं है इसमें, किसी पीपीटी में था। डाटा नेटवर्क इसका जो है वो ये 4 टीयर है, वैसे जो यूटीएस का जो है वो 4 भागों में बांटा हुआ है उन्होंने, जैसे पीआरएस के जो आपने देखे थे जोनल से डिवीजन जो 2 टीयर थे उसमें, ऐसे उसमें 4 टीयर नेटवर्क है, ये 4 टीयर नेटवर्क यूटीएस का है।
the main objective of UTS and railway to provide unreserved ticketing, sir. Unreserved tickets. UTS application is tap number है. तो इसमें तो आंसर ये दिया हुआ है C++, C++, Unix. इसका कहीं कंफर्मेशन अवेलेबल नहीं है. ये जो एरिसेट की बुक है उसमें भी यही दिया हुआ है. टोपोलॉजी यूज फॉर द PRS UTS यूनिफिकेशन. PRS UTS यूनिफिकेशन के लिए इन्होंने जो इन्वर्टेड ट्री प्रोटोकॉल बताते हैं कि वहाँ पे सेंट्रलाइज जो है ऊपर जो है वो PRS और UTS के नेटवर्क दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वो कंबाइंड होकर एक ही नेटवर्क में आ रहे हैं. तो इसमें इन्वर्टेड ट्री और पार्शियल मैश. क्योंकि अकेला मैश नहीं है, ये पार्शियल मैश भी अकेला नहीं है. तो हमारा यहाँ पे जो है वो नेटवर्क स्कैटर्ड है, कई बार तो डिवीजन भी कनेक्टेड है आपस में. तो ये पार्शियल मैश तो है ही इसमें, पर इन्वर्टेड ट्री भी है. नंबर और लोकेशन पर एरिया शैल नॉट बी एक्सटेंड. तो ये 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एक एक जो एरिया, जैसे एरिया 0 है, एरिया 1 है, हर एक एरिया में एक डिवीजन दो एरिया में बांटी हुई है, और जो उसमें जो लोकेशन है, मैक्सिमम लोकेशन जो हो सकती है वो 70 हो सकती है. नॉर्मली अगर अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें तीसरा भी एक जोड़ सकते हैं. जैसे अगर कहीं लोकेशन ज्यादा हो जाती है तो वो तीसरा जो है वो आपका एरिया 3 भी लोकली ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, जो एक डिवीजन में. शायद मुंबई में एरिया 3 होगा भी मेरे ख्याल से. और टियर 2 लोकेशन इन द एरिया शैल बी लिमिटेड टू 10% हो रही है. ये इसका आंसर मुझे क्लियर नहीं है. ये टियर 2 लोकेशन इन द एरिया शैल बी लिमिटेड टू 10% ऑफ टोटल एरिया. इसमें 4.4-5 दिया हुआ है. राउंड ट्रिप टाइम फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ बिटवीन द क्लाइंट टर्मिनल एंड सर्वर. तो ये जो पिंग टाइम जो है आपका, पिंग टाइम इसमें दिया हुआ है कि पिंग टाइम लगभग कितना होना चाहिए. एक्चुअली पिंग टाइम जो है डिपेंड करता है कि आपका कितने में नेटवर्क अलाइव जो है वो आप उसमें रहेगा, पैकेट जो अलाइव रहेगा कितनी देर अलाइव रहेगा. तो वॉइस लोकेशन में जो है वो इसमें 130-150 मिलीसेकंड इसमें बताया हुआ है. नॉर्मली पिंग टाइम ये थ्रेशोल्ड है. ये ऐसा नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, इतना कम से कम रहेगा 10 मिलीसेकंड. अभी जैसे जैसे नेटवर्क की रिडंडेंसी बढ़ रही है और नेटवर्क जो आपके बैंडविड्थ आपकी अवेलेबल हो रही है, तो पिंग टाइम काफी कम हो गए हैं. डायनेमिक प्रोटोकॉल यूज इन द UTS PRS में जो डायनेमिक प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो SPF यूज करते हैं हम लोग. ये रिसेट मॉडल डिस्कस किए. अभी 10 मिनट है, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो, जो अगर अभी अगर डिस्कस नहीं हो पाएगा तो उसको कल भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग. सर ये OSPF एक बार और बता दीजिए ना सर. ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इसका फुल फॉर्म है. OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल है. तो किसी भी एक लोकेशन से पैकेट को दूसरे लोकेशन तक भेजने, ये राउटर इसको यूज करते हैं. जब राउटर में आप इसको कॉन्फिगर कर देते हो तो वो एक पर्टिकुलरली हम लोग उसमें एरिया भी डिफाइन करते हैं के एरिया 100 या फिर OSPF 100. हम लोग OSPF में पर्टिकुलरली अगर 100 डिफाइन किया तो वो सभी राउटरों में आप 100 उसको कॉन्फ़िगर करेंगे. OSPF 1 से लेके 100 या उसको नंबर देना होता है, OSPF नंबर. तो उसके जितने भी राउटर होंगे उनके IP एड्रेस जो है वो अपने अंदर ये टेबल बनाएगा. ये अपने नेबर्स की टेबल बनाता है. और इसमें आपको स्टैटिकली IP नहीं देना होता है,
ये ऑटोमेटिकली आईपी जो है वो उनसे हैंड चेकिंग करके और अपने अंदर आईपी सेक करता रहता है, और थोड़ी थोड़ी देर में वो आईपी एड्रेस टेबल जो है ना अपने अपग्रेड करता रहता है। चेंज जो भी होगा वो नेबर से हैंड चेकिंग करेगा थोड़े थोड़े टाइम में और अपना वो आईपी एड्रेस टेबल को अपडेट कर लेगा। तो हमेशा एक जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने का वेटेज कितना है, वो जो भी चैनल जो है वो सबसे पहले सबसे हाई बैंडविड्थ वाले चैनल को उसको लेगा। अगर हाई बैंडविड्थ वाले चैनल अगर डाउन है, रिलायबिलिटी अगर उसकी पुअर है, तब भी वो उसी चैनल को ही लेगा। OSPF में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि अगर आपके वो सबसे पहले हायर बैंडविड्थ को देखता है, तो अगर हायर बैंडविड्थ वाला चैनल अवेलेबल है और अप है, भले ही उसकी रिलायबिलिटी पुअर है, तो वो 64 पे शिफ्ट नहीं करेगा कभी भी। तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो उसको शॉर्टेस्ट पाथ कितने कम से कम होप में आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा पा रहे हो। जैसे ए लोकेशन से बी लोकेशन तक जाने के एक रास्ता आपके पास सिंगल होप में जा रहे हो, आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो उससे, पर एक जो है वो आपका मल्टीपल उससे होके जा रहा है। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो सबसे सबसे इजी जो पाथ है वो उसको लेगा वो। और बताओ सर, ये अभी क्वेश्चन था वो कि मैक्सिमम 70 लोकेशन कनेक्ट किए जा सकते हैं वो डिवीजन लेवल पे जो बताते हैं। एक OSPF है, ऐसा नहीं मैक्सिमम, जो एक OSPF एरिया जो है, हम लोग OSPF एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे हम लोग एरिया बना देते हैं। तो आसान कम्युनिकेशन के लिए OSPF प्रॉपर्ली वर्क कर पाए, इसलिए उन्होंने लिमिटेशन दिए हुए कि 70 उसमें क्या होता है, जैसे आपके हर एक स्टेशन पे एक राउटर लगा रहता है, उस राउटर से आप लोकली लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। वो राउटर जो है वो अपने नेबर राउटर से कनेक्ट रहता है, और एक रूट के जो राउटर हैं उसमें से, जैसे मान लीजिए आपके एक इसके राउटर्स की एक रो है, मल्टीपल राउटर एक रो में कनेक्टेड है, तो उनमें से मिड वाला राउटर या मल्टीपल राउटर अपने सेंट्रलाइज राउटर या डिविजनल राउटर से कनेक्ट रहेंगे। जैसे अगर अहमदाबाद की सिनेरियो में बात करूँ मैं, तो अहमदाबाद में 2 OSPF हैं, यहाँ पे 3 हब लोकेशन है, एक अहमदाबाद है, एक पालनपुर है और एक गांधीधाम है। हर जगह दो दो राउटर रखे हुए हैं। वो राउटर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मुंबई डिवीजन से, मतलब सॉरी इससे अपना चर्चगेट से कनेक्टेड है तीनों राउटर, और तीनों लोकेशन के राउटर, और फिर उसमें बीच वाली लोकेशन जो है ना वो आपस में कनेक्टेड है, और जैसे 4 या 5 होप के बाद जो है ना वो पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो अपने सेंट्रलाइज किसी भी एक हब लोकेशन से कनेक्ट हो जाती है। उसका बेनिफिट ये रहता है कि मान लीजिए बीच में अगर कहीं पे अगर हम होप टू होप जाते रहे और बीच वाले किसी राउटर को हमने सेंट्रलाइज लोकेशन से कनेक्ट नहीं किया, तो क्या होगा कि अगर बीच वाला लिंक डाउन हुआ तो पूरा लोकेशन डाउन हो जाएंगे, लीनियर हो जाएगा ये। तो लीनियर ना करने के लिए जो है ना उसे किसी दूसरे रूट के चैनल के थ्रू वो उसको कनेक्ट कर देते हैं मेन राउटर से। सेंट्रल में कहीं पर भी 2 या 3 लोकेशन को एक ट्रेल में, जैसे एक ट्रेल है, ट्रेल में अगर 10 राउटर कनेक्टेड है तो उसमें 2 या 3 राउटर को सेंट्रलाइज लोकेशन से मल्टीपल पाथ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक सर, ठीक ठीक जी।